हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा जी, मैं सौरभ अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी बच्चों का डाउट नट लाइव में स्वागत करता हूँ। आ जाइए यार बेटा जी, फटाफट से पढ़ना शुरू करेंगे। आज आपके लिए एक बहुत ही विशेष विशेष सेशन आपके लिए लेके आए हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको बोल दो कि बेटा अगर आज का लेक्चर देख लिया तो 28 नंबर पक्के लेके जाओगे मुझसे। यस बेटा जी, 28 नंबर। यस इंदर सेन सिंह, रवि मिश्रा, टीना खैरवाल, अभिषेक, दीपक, सुनील मीना, रॉयल। बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो यार आप लोग? बढ़िया हो एकदम? तैयार थे क्या तुम लोग? मूड में थे क्या? एकदम तैयार बैठे थे क्या? हेलो, हाय कुलदीप, अनुराग है ना, रोहित चौधरी, गजराज, एस जी गेमिंग, आदित्य, एकता, आईआईटी बॉम्बे वाला, ओमकार, गौरव भारद्वाज। बच्चों कैसे हो यार? फटाफट आ जाओ यार, फटाफट से आ जाओ यार। यस सुनीता कुमारी, जी कुमार, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुरुदेव, गुड मॉर्निंग बच्चे। झंडू, ये कौन सा बच्चा है? झंडू जी, गुड मॉर्निंग गुरु जी, बहुत बढ़िया। रोजी, रोजी जहरा, गुड मॉर्निंग बेटा। करण रावत, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। फटाफट फटाफट बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए, और लाइक नहीं किया जाता तो दबा के लाइक ठोक दो। आज जोश में हूं मैं, पूरा आज पूरा जोश में हूं, मचाने वाले हैं आज। फटाफट लाइक ठोको फटाफट से, बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए, दवा दम। सर सुबह से पढ़ रहे हैं, तब तक नोटिफिकेशन आया। ओके गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। कमेंट्स इतने फास्ट आ रहे हैं ना बेटा जी, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ एक जगह ना। विनीत गोयल गुड मॉर्निंग, और रोजी जहरा गुड मॉर्निंग बेटा जी। जल्दी जल्दी यार, जल्दी जल्दी बच्चों के कमेंट आने चाहिए, फटाफट बढ़ने चाहिए, फटाफट बढ़ने चाहिए, जल्दी बढ़ाओ यार बच्चों, जल्दी। यस सर, आज पीडीएफ, आज की पीडीएफ मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी पीडीएफ, मेरी जिम्मेदारी पीडीएफ दिलवाने की, क्यों नहीं मिलेगी पीडीएफ। दीपू कुमार, गोकुल गिरवाल, क्रिकेट क्लब, सीमा बैजनाथ, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं यार हमसे, फटाफट फटाफट आ जाइए। कमलेश, उद्धव, राधे राधे बेटा, मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ बेटा जी, आप लोगों की दया से जितने बच्चे जुड़ सकते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया पहले तो लाइक ठोको, लाइक ठोको पहले तो। YouTube पे अगर आए हो तो बेटा जी बिना लाइक ठोके चैनल को वीडियो को देखना मत, लाइक ठोको पहले, दबा के लाइक ठोको। बच्चे चाहिए मुझे ज्यादा, अगर 28 नंबर पक्के करवाऊंगा, 28 नंबर मेरी गारंटी के साथ लिख के देता हूं। वो सवाल लाया हूं तेरे लिए जो जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। 28 प्लस मार्क्स है आज का टारगेट, 28 प्लस मार्क्स, और 28 मार्क्स तो बहुत बड़ी चीज है एक लेक्चर में, यानी कि एक मैराथन में 28, अगले मैराथन में और 28 सूद देंगे। हो गया सर 55-56 नंबर का जुगाड़ फिजिक्स में, 50% पेपर तो हमने यही निपटा दिया 2 दिन में। बोलो फटाफट आ जाओ यार, मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चे चाहिए यार, बच्चे बहुत कम है, बहुत कम है, सीरियसली बता रहा हूं, बहुत कम है। सौरभ कुमार नमस्ते, अभिषेक सुकारिया, प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दे देंगे बेटा जी, दे देंगे दे देंगे। सुनील मीना, लव यू बच्चे, लव यू, फटाफट से आ जाओ यार, बच्चे बहुत कम है, लाइक नहीं किया बच्चों ने, मैं अभी तक देख रहा हूँ बच्चे लाइक बहुत कम है मेरे लेक्चर में, लाइक चाहिए मुझे, लाइक करो फटाफट से। जख्मी टाइगर भी आ चुके हैं, ओ हो, जख्मी टाइगर जी बहुत बढ़िया बेटा जी, दबा के लाइक करो यार, नहीं किया है तो अभी तक बेटा जी लाइक कर दीजिए फटाफट फटाफट, बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए। श्रेया पांडे आ चुके हैं, माय नेम सर, माय नेम एंड योर नेम सेम सेम, सौरभ कुमार, हाँ बेटा, यस 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 यस, आज आपकी जोश मजा आएगा क्लास में, आज आपका जोश हाई है सर, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा बेटा जी, मचाने वाले हैं, फटाफट आ जाओ यार, यार मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, बच्चे बहुत कम है, बच्चे बहुत कम है, मजा नहीं आ रहा, सच में मजा नहीं आ रहा, कैसे भी करके बढ़ाओ बेटा, बढ़ाओ 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 फटाफट, मजा नहीं आया। अरे क्या हो गया भैया, कैसे ढीले पड़ गए? अरे भैया कैसे ढीले पड़ गए? कैसे ढीले पड़ गए? हाँ क्लास देख ले बेटा, आकाश देख सकता है तू भी क्लास,
नॉलेज लेने में क्या बुराई है, नॉलेज तो लीजिए ना यार। चलो तो खैर, अब मैं आपको थोड़ी सी क्लास के बारे में बातें करूंगा, बच्चे धीरे धीरे हमसे जुड़ते जाएंगे, और जो भी बच्चे हमसे नहीं जुड़े हैं मैं सबसे बोलूंगा बेटा जी जाके अभी जुड़ जाइए, अभी भी वक्त बता रहा हूं, वक्त है, अभी भी जुड़ जाइए, अभी भी वक्त है, जुड़ जाइए। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे प्रॉमिस करते हैं कि गुरुजी मेरा यकीन मानना, बच्चे कितने ऐसा मुझे प्रॉमिस करते हैं कि गुरुजी 2 बजे तक आप क्लास लोगे, अगले 4 घंटे में हमारा जोश ठंडा नहीं होगा। जब मेरा जोश ठंडा नहीं हो सकता तो तेरा जोश कैसे ठंडा होगा? प्रॉमिस कितने बच्चे प्रॉमिस करते हैं कि गुरुजी अगले अगले जोश ठंडा नहीं होने देंगे, जोश ठंडा नहीं होने देंगे, और एक भी बच्चे को, अगर एक भी बच्चा यहां से हिला तो दिक्कत हो जाएगी। प्रॉमिस करो सर हम नहीं जाएंगे, सर इसको देख के सच में 28 नंबर पक्के आएंगे। आइए, पक्के हैं बेटा। अमर अमन सिंह तू शक क्यों कर रहा है बेटा, पक्के हैं 28 नंबर, तू देख तो ले एक बार। जाओगे तो नहीं, जोश को ठंडा तो नहीं करोगे? बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए, बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए यार। दबा के शेयर करो, नहीं किया बुलाओ फोन कर करके, पूरे गांव में फैला दो, पूरे जिले में फैला दो वीडियो को। फिजिक्स की क्लास आई है, महामैराथन, महामैराथन, यस, जेई मेन 2022 महामैराथन। फिजिक्स की आज लेने वाले हैं, बहुत प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चलेंगे। मैं आज कौन कौन से चैप्टर्स कवर करवाऊंगा उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। और बेटा जी क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये देख लो, ये देख लो, 28 नंबर पक्के, ये देख लो 28 नंबर पक्के। चलिए, बेस्ट सर फॉर फिजिक्स, लव यू सर, लव यू बच्चे, लव यू सुनील मीना। चलो खैर, तो शुरू करें कहानी को, कहानी को शुरू करें। महाकाल के नाम लेके दवा के ठोक लाइक, बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए सर। यस 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 बच्चे, बहुत मेहनत करते हैं यार तुम्हारे लिए, ये कल पीपीटी बना रहा था बैठ के रात को। सर ऑल इंडिया में फैला दिया है, बहुत बढ़िया बेटा जी, जब तक जेई फोड़ेंगे नहीं जोश ठंडा नहीं होना चाहिए। यस यस बच्चों, यस यार, बच्चों की संख्या अभी भी कम है, मजा नहीं आ रहा यार। खैर, और आपको ये तो दिख ही गए होंगे बेटा जी, ये कौन है, ये कौन है आपके प्यारे से सौरभ सर। बच्चे प्यार से मुझे ऐसे सर बुलाते, कैसे सर, ऐसे सर, ठीक है। चलिए तो मजा आएगा, मजा आएगा। बच्चे अभी कम है, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, और लाइक नहीं किया अभी तक लाइक ठोको, लाइक नहीं किया है लाइक ठोको दबा के। ये कैसे 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 ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा मैं, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, लाइक ठोक दो, बता रहा हूं लाइक ठोक दो। हाँ चलो, तो बेटा जी शुरुआत करते। अच्छा जाना मत, एक भी बच्चा नहीं हिलना चाहिए, आराम से खाना पीना, रोटी रोटी वोटी लेके बैठो, बढ़िया चाय पानी लेके बैठो, और पढ़ना है अब लगातार 4 घंटे। ये मान के चलना कि अगर सौरभ सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमें उनका पूरा साथ देना है। बेटा जी जब तक आप रहोगे तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल। एक भी बच्चा कम नहीं होना चाहिए। बेटा सुनील बार बार मैसेज मत करो, बेटा सुनील मैंने पढ़ लिया, सुनील बच्चे मैंने पढ़ लिया। चलो तो आज 28 नंबर कैसे पक्के हैं, मैं पहले तो ये प्रूफ दे देता हूं, 28 नंबर पक्के कैसे होंगे पहले तो मैं ये दे देता हूं। बेटा जी आपकी क्लास 12वीं, क्लास 12th के आज अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर कवर करने वाले हैं, 4 से 5 चैप्टर, और ये 4 से 5 चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जिनसे, 4 से 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे 7 सवाल, कम से कम 7 क्वेश्चंस, 7 सवाल पूरे आएंगे, 7 सवाल आएंगे। पहला है बेटा जी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, हिंदी में भी लिखूंगा परेशान मत होना, हिंदी में भी लिखूंगा परेशान मत होना, स्थिर वैद्युत की, और हंसी मजाक के साथ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत बोरिंग होके पढ़ेंगे, नहीं, हंसी मजाक करके पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ हंसी मजाक करके एकदम चिल रह के पढ़ेंगे, कूल रह के पढ़ेंगे,
ठीक है। और बेटा अभी तक अगर दोस्तों को नहीं बोला है तो मैं अभी भी कह रहा हूं जाके दोस्तों को फैला दो, अभी भी बस वक्त है, दोस्तों को फैला दो जाके। जितने ज्यादा वीडियो को फैलाओगे उतने ज्यादा बच्चों तक देश में पहुंचेगा, और जितने ज्यादा बच्चे देश में पहुंचेगा उतना ज्यादा बच्चे बेनिफिट ले पाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत की बेटा जी इससे कम से कम दो सवाल पक्के हैं, कम से कम दो सवाल पक्के हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत विद्युत धारा दो सवाल कम ज्यादा हो सकते हैं, कहीं कभी दो आ जाए तो अगले चैप्टर में जहां एक आना होगा वहां दो आ जाएंगे। ठीक है, बच्चे कम हो गए, बच्चे सीरियसली कम हो गए। हाँ बच्चे तो यस यस, बच्चा मेरा ही डायलॉग बोल रहा है कि सर मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही और गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। यस यस यस, हाँ सुनिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी से दो सवाल आएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एक सवाल, एक सवाल मान लो है ना। और उसके बाद बेटा जी ईएमआई विद्युत चुंबकीय प्रेरण एंड एसी, एसी कौन सा, एयर कंडीशनर नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा है ना, विद्युत विद्युत चुंबकीय प्रेरण एंड प्रत्यावर्ती धारा। यानी कि मैं अगर मोटी मोटी बात करूं, मोटा माटी, तो मैं आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाने वाला हूं, मैं आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाने वाला हूं बेटा जी। बच्चों की संख्या बहुत कम है, मुझे नहीं पता बच्चे कौन क्यों कम होते जा रहे हैं। क्या तुम लोग जा रहे हो छोड़ के मुझे, क्या मैं लेक्चर बंद कर दूं, क्या तुम लोग मुझे जा रहे हो छोड़ के? प्रत्यावर्ती धारा, और बेटा जी इसके दो सवाल, इसके दो सवाल, टोटल सवाल गिनो, टोटल सवाल गिनो, टोटल कितने सवाल हैं, टोटल दो और दो चार और एक पांच, पांच और दो सात सवाल तो कम से कम बताएं, मैंने सात सवाल तो कम से कम बताएं, और एक सवाल कितने नंबर का आता है जेई में। हाँ कॉन्सेप्ट करवाएंगे बेटा, कॉन्सेप्ट करवाएंगे, हाँ सुनिए कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सात सवाल और एक सवाल चार नंबर का, तो सात इंटू चार सर 28 मार्क्स का जुगाड़ आज के लेक्चर में हमें मिलने वाला है, 28 नंबर का जुगाड़ हमें आज के लेक्चर में मिलने वाला है। और किस्मत रही ना बेटा तो यही 28 से 32 भी हो सकते हैं, 32 से ऊपर होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन 32 तक तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि 28 से 32 नंबर, क्योंकि कभी कभी 8 सवाल भी इसमें देखने को मिले हैं है ना, कभी कभी 8 सवाल भी इसमें देखने को मिले, तो 8 सवाल का मतलब हो गया 8 चौके 32 नंबर का जुगाड़ है। आज एक तिहाई पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं, कितने, एक तिहाई पेपर आज हम सॉल्व कर लेंगे हमारे आज की क्लास में। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कहानी है ना। हाँ बेटा गोकुल गिरवाल, मैंने सुन लिया बेटा, सुन लिया, तेरे उपकार का केस चुकाऊं मैं मोल लाख कीमती, सुन लिया बेटा जी, बहुत अच्छी लाइनें हैं, बहुत बढ़िया है बेटा जी, सौरभ सर का साथ सबका विकास। चलिए बेटा जी सुनिए अब कहानी को सुनेंगे। अच्छा जिस क्रम में मैंने ये लिखे हैं उसी क्रम में सवाल करवाऊंगा, मतलब पहले स्थिर विद्युत की सीखेंगे, फिर विद्युत धारा सीखेंगे, फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सीखेंगे, फिर ईएमआई एंड एसी यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा सीखेंगे। सुशील रावत गुड मॉर्निंग, जितने भी बच्चे अभी हमसे जुड़े हैं सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और बेटा जी जिन्होंने लाइक नहीं किया है लेकिन वो आ चुके हैं यूट्यूब पे चैनल पे और लाइक नहीं किया, बिना लाइक किए देख रहे हैं, अच्छा नहीं है, जनता माफ नहीं करेगी तुम्हें।
चलिए सुनिए। तो शुरुआत करूंगा बेटा जी मैं पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक से। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा जी आपके बलों के बारे में आ जाएगा, कुलाम बल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुलाम बल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कुलाम बल के बारे में फॉर्मूला बता के एक सवाल करवा लेता हूँ, सवाल कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट का आइडिया लग जाएगा। विद्युत क्षेत्र के बारे में करके नहीं, एक सवाल करवा देता हूँ, उसका आइडिया हमें लग जाएगा, विद्युत क्षेत्र का आइडिया लग जाएगा। फिर हम संधारित्र वगैरह की बात कर लेंगे, विद्युत विभव के बारे में बातें कर लेंगे, स्थितिज ऊर्जाओं के बारे में बातें कर लेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में भी बात कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कवर हो जाने वाला है और यहीं से सवाल बनेंगे। तो चलिए बेटा जी, बेटा बोल रहा है सर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक क्लास में 28 नंबर पक्के हैं। बेटा अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा है अमन, तो मैं आपको बोलूंगा आप चले जाओ। अमन बेटा आप चले जाओ वरना मैं ही भगा दूंगा, आपको कोई फायदा नहीं है। अमन बेटा अगर आप नहीं गए तो मैं ही भगा दूंगा, कोई फायदा नहीं है। अभी भी कह रहा हूं बेटा जी वक्त है, चले जाइए, या तो फिर डिस्टर्ब मत करिए, या तो चले जाइए या डिस्टर्ब मत करिए। बेटा जी जय निषाद राज गुरु जी, जय निषाद राज बेटा जी। बेटा बार बार मैसेज करने की जरूरत नहीं है, एक बच्चा एक ही बार में मैसेज करेगा, बार बार मैसेज करेगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं बार बार मैसेज नहीं करोगे, बार बार मैसेज नहीं करोगे। और जिन्होंने भी लाइक नहीं किया पहले तो लाइक ठोक दबागे यार, कैसी बातें करते हो बेटा। हाँ सुनिए, साउंड नहीं आ रहा है क्या? साउंड आ रहा है? अबे पूरी दुनिया मेरी आवाज सुन रही है और तुम्हें ही आवाज नहीं आ रही मेरी, है पूरी दुनिया सुन रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। चलो करें शुरू, बच्चे कम नहीं होने चाहिए, जितना नंबर मुझे दिख रहा है उतने ही नंबर चाहिए मेरे को क्लास में, जितने नंबर मुझे इस वक्त दिख रहे हैं उतने ही नंबर चाहिए मेरे को क्लास में। एक भी बच्चा कम हुआ तो देख लेना, एक भी बच्चा कम हुआ ना तो देख लेना बेटा जी। सुनिए तो बेटा जी शुरुआत करेंगे, सबसे पहले देखो बेटा एक्चुअली में हम आज बेसिकली जो पूरी बारहवीं है ना, उस बारहवीं में जो प्रत्यावर्ती धारा तक है ना, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो उस प्रत्यावर्ती धारा में जो बेसिकली है वो है आपका आवेश। मेन जो चलता है ना, मेन वो है आवेश, पूरे आवेश की स्टडी है। मतलब हम बेसिकली जो आज पढ़ने वाले हैं वो स्टडी ऑफ चार्ज है, स्टडी ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का अध्ययन हम पढ़ने वाले, आवेश का अध्ययन। और इस आवेश के अध्ययन को ही हम पूरे लेक्चर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आवेश रुका होगा, आवेश चल रहा होगा, आवेश चल रहा है तो नियत वेग से चल रहा है या त्वरित गति है, अलग अलग प्रकार से हम चलने वाले हैं। अब बच्चे कमेंट नहीं करेंगे, अब बच्चे सिर्फ मेरे को लेक्चर को कॉन्स्टेंटली देखेंगे, ठीक है? जब पूछा जाएगा तब जवाब देंगे, बाकी अब शांत हो जाओ। हो गया मौज मस्ती, कर ली अपन ने बातचीत, अब सिर्फ शांत होके लेक्चर को देखेंगे, शांत होके लेक्चर को सुनेंगे। और चले मत जाना, चले मत जाना, बता रहा हूं कसम है आईआईटी जेई की, जो भी बच्चा जाएगा ना 28 नंबर खोके जाएगा, लिख के ले लो मुझसे। और कसम दे दी मैंने तुम्हें, अब जाके दिखाओ बेटा। स्टडी ऑफ चार्ज, तो बेटा जी कुलाम का नियम हम सबसे पहले पढ़ते हैं। कुलाम का नियम याद है क्या? कुलाम एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने ये बोला कि अगर दो आवेश है, एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2, और दोनों के बीच की दूरी अगर मैंने मान ली कि R है, दोनों के बीच की दूरी मैंने मान ली कि भैया जी स्मॉल आर है, तो भैया देख ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो बेसिकली इन दोनों में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा, मैराथन है, थोड़ा तेज चलेंगे। ये वाला आवेश इस वाले पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण है ना, तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये वाला इधर भागेगा। तो इसको हम कैसे बोलते हैं? दूसरे पर बल पहले के कारण से। अब आवेश नंबर 2 मान लो ना इसको, तो इसको बोलते कैसे है? दूसरे पर बल पहले के कारण से। और इसको कैसे बोलते हैं? पहले पर बल दूसरे के कारण से। कैसे बोलते हैं? पहले पर बल दूसरे के कारण से। और बेटा जी जब हमने इसको देखा पूरे को गणित की, तब मैं सीधा सीधा आपको फॉर्मूला दे रहा हूं कि इन दोनों का परिमाण बिल्कुल सेम पाया गया। मतलब इसने इस पर जो बल लगाया
और इसने इस पर जो बल लगाया, इन दोनों बलों के परिमाण सेम पाए गए। जल्दीबाजी में लोग क्या बोल देते हैं, जल्दीबाजी में लोग बोल देते हैं कि भैया दोनों बल बराबर है। नहीं, अब बल एक सदिश राशि है। अगर सदिश का मतलब है दिशा भी उनकी बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, परिमाण समान होने चाहिए, तब वो बराबर बोलेंगे ना। इनकी दिशाएं तो विपरीत है, तो बल समान कैसे हो जाएगा? परिमाण में समान होते हैं ये। किसमें समान होते हैं? परिमाण में समान होंगे, और इसको बोलते हैं के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। मेरे राजकुमारों, कितने बच्चों को समझ में आई? और एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, जहां के का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम बात कर रहे हैं निर्वात में, हम बात कर रहे हैं निर्वात में या वायु में। बोलो, अरे बोलो बच्चे, कम हो गए? मजा नहीं आया। कम हो गए। बहुत बढ़िया, आईआईटी जेईई की कसम दी थी। के का मान उठा के यहां रख दीजिए, के का मान उठा के, तो बल का जो मान आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। सभी बच्चे इसको जानते होंगे। और मुझे ये बता दीजिए, ये जो के है, अब के का मान ही तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा है। के को हम, के का मान और क्या लिख सकते हैं हम? के का मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ठीक है, बोलो बेटा जी। चलिए, तो अब खैर ये सब समझ में आ गया, तो अब सवालों पे अप्लाई करते हैं। सिर्फ ये फॉर्मूले पे बहुत सारे सवाल आए हैं, केवल इसी फॉर्मूले पे, केवल इस फॉर्मूले पे सवाल आए हैं। जेई मेन में आपको इस फॉर्मूले पे सवाल दिख जाएगा, जेई मेन में इस फॉर्मूले पे सवाल दिख जाएगा। करना कुछ नहीं है, एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर लगाना है। के का मान होता है 9 × 10⁹। बेसिकली दो आवेश है। अब दिशा विशा के बारे में तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्या? अगर दोनों धनावेश है तो दोनों प्रतिकर्षण है, ऋणावेश होंगे, दोनों ऋणावेश होंगे तब भी प्रतिकर्षण होगा। तो बेटा जी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिशा अपन ये देख के बता देंगे कि भैया दोनों अगर धनावेश है तो प्रतिकर्षण होगा, मतलब सजातीय है, सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण, और विजातीय है तो आकर्षण। सजातीय आवेश है तो सजातीय है, तो सजातीय मतलब एक जात के हैं, एक जात के हैं तो प्रतिकर्षण, और अलग अलग जात के हैं तो आकर्षण लगेगा। ये कहानी है। बोलो, बात समझ में आई? तो बेटा जी अब चलते हैं कहानी को आगे लेके। जेई मेन 2019 का सवाल है, सवालों के साथ शुरुआत करूंगा कहानी की। और बेटा जी ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते रहे हैं, सवाल को पढ़ेंगे, सवाल करेंगे। आइए, हल्ला गुल्ला नहीं करोगे? और बच्चे कम हो रहे हैं, मुझे नहीं पता बच्चे कम क्यों होते हैं। अमन सिंह बोल रहा है सर आवाज नहीं आ रही। आवाज तो पूरी आ रही है, आवाज तो पूरी आ रही है बेटा। अमन, अगर अब तूने परेशान किया तो अब तुझे मैं भगा दूंगा। हाँ, बच्चा बोल रहा है कि सर अगर आवेश की दूरी के बीच में परावैद्युत पट्टी भर दे। बेटा जी अगर हमने परावैद्युत पट्टी भर दी, चलो बच्चे ने सवाल पूछा है तो इसका जवाब दिया जाएगा। अगर बेटा जी परावैद्युत पट्टी भर दी, मान लीजिए तूने कुछ ना कुछ परावैद्युतांक भर दिया या कुछ ना कुछ माध्यम में रखा है, और उस माध्यम का एप्सिलॉन आर है, परावैद्युतांक क्या है? एप्सिलॉन आर। तो ये जो बल होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा देना तब। लेकिन ऐसे बहुत कम चांसेज है कि जब वो परावैद्युतांक पदार्थ भरेंगे, ऐसा बहुत कम चांस है जब वो परावैद्युतांक भरेंगे, मतलब परावैद्युतांक भरने का अंदर सेंस, जब वो माध्यम में रखेंगे, बेसिकली किसी ना किसी माध्यम में रखेंगे, वो किस में रखेंगे? बेसिकली किसी ना किसी माध्यम में रखेंगे। चलिए सवाल को करते हैं। सवाल क्या है? कैपिटल क्यू, कैपिटल प्लस क्यू दे रखा है, कॉमा स्मॉल क्यू दे रखा है, और प्लस कैपिटल क्यू के तीन आवेश को एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से क्रमशः दूरी 0, d/2 तथा स्मॉल d पर रखा है। आइए पहले तो x और y, अब देखना सवाल करने के तरीके, देखना यह है गुरुजी हमारी x अक्ष, यह है गुरुजी हमारी x अक्ष, और यह है गुरुजी y अक्ष। एक एक कॉन्सेप्ट पे एक एक सवाल लेके आया हूं, ताकि कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, सवाल करवाऊंगा।
कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, सवाल करवाऊंगा। ये एक्स अक्ष ले ली, ये वाई अक्ष ले ली, और ये ले लिया मैंने मूल बिंदु। क्या बोला है? तीन आवेश है प्लस क्यू, क्यू एंड क्यू को एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से क्रमशः जीरो, दूरी जीरो का मतलब है कि जो प्लस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश तो मेरा मूल बिंदु पर रखा है, एक प्लस क्यू आवेश तो मूल बिंदु पर रखा है, दूसरा जो स्मॉल क्यू है, दूसरा जो स्मॉल क्यू आवेश है वो प्लस स्मॉल क्यू वो डी बाई टू पर रखा है, और एक और जो प्लस कैपिटल क्यू आवेश है तीसरा वो स्मॉल डी पर रखा है। यानी कि बेटा जी यहाँ से लेके यहाँ तक ये है तेरा डी बाई टू, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है बेटा जी तेरा डी। बात को समझो, कितने बच्चों को इतनी कहानी समझ में आई? ए निकल लिए या हो, ए निकल लिए या हो, बोलो। तो ये हो जाएगा डी। अब क्या करना है सवाल में, इतना बना दिया। उन्होंने बोला है कि यदि एक्स बराबर जीरो पर रखे प्लस क्यू आवेश पर, ओहो, कुल बल शून्य है, कुल बल शून्य है तो स्मॉल क्यू का मान होगा। यानी कि हमसे इस वाले स्मॉल क्यू का मान पूछा है, लेकिन हमको एक चीज दे रखी है कि इस पर जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स जीरो है, बल एक सदिश राशि है, तो इस पर लगने वाला नेट बल जीरो है, इस पर लगने वाला नेट बल। अब सुन कितने आवेश हैं? तीन आवेश हैं टोटल। इस आवेश पर बल किस किस की वजह से लगेगा? इस आवेश पर जो मूल बिंदु पर रखा है, इस मूल बिंदु पर जो आवेश है उस पर आवेश किस किस की वजह से लगेगा? सर प्लस क्यू वाला बल लगाएगा और प्लस कैपिटल क्यू वाला बल लगाएगा। ये वाला बल किधर लगाएगा? ये भी धनावेश, ये भी धनावेश, प्रतिकर्षण। इसको हमने नाम दे दिया एफ क्यू। एफ क्यू का मतलब फोर्स आया ड्यू टू स्मॉल क्यू की वजह से, या ऐसा कर दे इनको नंबरिंग दे दे, इसको वन दे दे, इसको टू दे दे। तो मैं इसको एफ वन नाम दे देता हूं। एफ वन का मतलब पहले वाले आवेश, मतलब पहले वाले आवेश के कारण से बल। अच्छा, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ये भी धनात्मक है, तो बेटा जी बल तो इधर भी लगेगा। हालांकि अगर बहुत अप्रोप्रिएट बनाऊं तो बना ले, ये एफ वन बना लो और ये एफ टू बना लो। क्या दोनों की दोनों सदिश एक ही दिशा में है? क्या दोनों की दोनों बल एक ही दिशा में है? एफ वन का मान, यस यस यस, एफ वन का मान कैसे निकालोगे? एफ वन का मान जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एफ वन का मान सर के क्यू वन, क्यू वन क्यू क्यू और क्यू क्यू, एफ वन का मान सॉरी क्यू वन का मान क्यू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। आर कितनी है सर? डी बाय टू का होल स्क्वायर। और F2 का मान कैसे निकालोगे? F2 का मान सर के Q1 Q2 बटे दूरी कितनी है सर? R स्क्वायर D का स्क्वायर। सर ये दोनों, कोई भी दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं, ये भी एक ही इसी में है और ये भी इसी में है। ये F1 है और ये F2 ले लो, ये F1 ले लो, ये F1 है और ये F2 ले लो, तो बेटा जी F1 प्लस F2 बराबर जीरो दे रखा है हमें। हमें क्या दे रखा है? नेट बल जीरो है, परिणामी बल जीरो है। इसका मतलब F1 प्लस F2 का मान जीरो है। इसका मतलब F1 बराबर है माइनस F2 के, F1 बराबर है माइनस F2 के। F1 पता है, F2 पता है, दोनों को रख दीजिए माइनस के साथ, तो K Q Q बाय डी स्क्वायर। अब डी बाय टू है ना, और दो का स्क्वायर करेगा चार ऊपर चला जाएगा, बराबर माइनस के क्यू क्यू बाय डी स्क्वायर। डी से डी जाएगा, के से के जाएगा, एक क्यू से एक क्यू जाएगा, फोर स्मॉल क्यू बराबर माइनस क्यू स्मॉल क्यू बराबर माइनस क्यू बाय फोर, माइनस क्यू बाय फोर, ऑप्शन नंबर सी। अरे मेरे राजकुमारों, सवाल समझ में आया? अब ऐसे सवाल अगर और आएंगे पेपर में तो क्या तू कर पाएगा? अगर ऐसे सवाल आएंगे तो क्या तू कर पाएगा? बोलो यार, बोलो यार, अबे कर पाओगे यार? बेटा बच्चे कम है यार, मजा नहीं आ रहा यार। ये बच्चे 250-300 हो जाए मजा आ जाए, 300 पहुंचा दो बस मेरे को, ये बच्चों की संख्या 300 पहुंचा दो, मजा आ जाएगा, कैसे भी करके पहुंचा दो यार। अगला सवाल,
अगला सवाल बेटा जी बहुत प्यारा सवाल है, करवाता हूं मैं आपको, विद्युत क्षेत्रों के बारे में है। अब पहले मैं आपको विद्युत क्षेत्र का मतलब समझाऊंगा, फिर सवाल को करवाऊंगा। सवाल आप पढ़ लीजिए, सवाल क्या है, बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनना, सवाल कॉन्सेप्चुअल है, सवाल कॉन्सेप्चुअल है, सवाल कॉन्सेप्चुअल है। नहीं आया समझ बेटा? क्या नहीं आया समझ श्रेया पांडे? बेटा श्रेया पांडे क्या समझ नहीं आया यार? बेटा यार ये पिछले वाला सवाल कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? पिछले वाला सवाल कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? पिछला, अरे बताइए। चलिए सुनिए, अब हमको बोला है विद्युत क्षेत्र, तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बेटा जी विद्युत क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा, विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं। आइए बेटा जी सुनना, और एक बिंदु आवेश के कारण से स्मॉल आर दूरी पर, सुनिए बातें नहीं करेंगे बेटा जी। विद्युत क्षेत्र कोई भी एक आवेश होता है ना, मैंने बोला मान लीजिए मेरे पास एक प्लस क्यू आवेश है, क्या है मेरे पास एक प्लस क्यू आवेश है, इसको हम सोर्स चार्ज भी बोलते हैं, सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश। मान लीजिए कि मेरे पास एक प्लस क्यू आवेश है, मान लीजिए मेरे पास है एक प्लस क्यू आवेश है बेटा जी, ये आवेश के आसपास विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है। सुनिए सुनिए, इस आवेश के आसपास विद्युत क्षेत्र होता है। मैं ध्यान सुनना, लॉजिक आएगा सवाल में, कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन यार ये जो है मुझे पता है कि इसके आसपास विद्युत क्षेत्र है पर वो दिखाई तो नहीं देता। ये ठीक वैसा है जैसे चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र दिखाई तो नहीं देता। अब उसको दिखाई नहीं दे रहा चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन उसको महसूस करना है, तो महसूस करने के लिए तू तो जाके बैठेगा नहीं, क्या रखेगा, कोई दूसरा चुंबक रखेगा या कोई गतिमान आवेश फेंकेगा, जो भी अलग कहानी है, वो कोई दूसरा चुंबक बैठाएगा और वो दूसरा चुंबक तुझे बताएगा आकर्षण प्रतिकर्षण की मदद से कि देख चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस आवेश के, ये जो आवेश है प्लस क्यू, इसके आसपास विद्युत क्षेत्र मौजूद है। सुनिए सुनिए लाड़लो सुनिए, इस आवेश के आसपास विद्युत क्षेत्र मौजूद है। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मुझे बतानी होगी तो ये कौन बताएगा, ये आवेश ही बताएगा, कोई दूसरा आवेश। तो उस दूसरे आवेश को मैं, इस दूसरे आवेश को मैं, मान लीजिए मुझे ये बिंदु है P, ये बिंदु है P, जहां मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, सुनिए सुनिए। अब यहां पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहां पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज बिठाऊंगा। टेस्ट चार्ज के बारे में खास बात यह है कि हमेशा धनात्मक होता है। टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश बोलते हैं इसको बेटा। यहां पर मैं एक परीक्षण आवेश बिठाऊंगा। पहली चीज मैंने क्या बोला, इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना, इस आवेश की, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कोई दूसरा आवेश ही बता पाएगा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत वाला कोई 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 विद्युत आवेश ही बता पाएगा। तो इस आवेश के आसपास अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है ज्ञात करनी है तो यहां पर एक परीक्षण आवेश बताओ। परीक्षण आवेश के बारे में खास बात यह है कि यह एक धनात्मक होता है और छोटा होता है। छोटा लेने के कारण पीछे यह है कि पीछे का कारण यह है कि यह अपने इफेक्ट इसको ना दिखा पाए, यह सारे इफेक्ट झेल ले, क्योंकि कुलाम इंटरेक्शन आएगा ना, कुलाम फोर्स आएगा इन दोनों में। अब कुलाम फोर्स आएगा, अच्छा कुलाम फोर्स को भी मरने दो, ये अगर इसको मैं अच्छा खासा मोटा ले लूं, अच्छा खासा वैल्यू वाला ले लूं, परिमाण वाला ले लूं, छोटा ना लूं, तो विद्युत क्षेत्र तो इसका भी आएगा, तो इसका खुद का विद्युत क्षेत्र आएगा, तो वो परिणामी को इफेक्ट डालेगा। हम चाहते हैं केवल इस आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र बता पाए, तो इसको हमने इतना छोटा लिया कि इसका प्रभाव हम नगण्य मान लें, इसका प्रभाव हम नगण्य मान लेते हैं। कारण समझ में आया परीक्षण आवेश लेने का। और बेटा जी आर दूरी पर एक बिंदु आवेश के कारण से, हेडिंग क्या है,
किसी निश्चित दूरी पर बच्चे कम हो गए, सीरियसली बच्चे कम हो गए किसी निश्चित बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कैसे निकालेंगे? तो बेटा जी यहां पर जो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो निकालना है फोर्स बाय क्यू नॉट, ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है। अब बल कैसे निकालेगा? बल का सूत्र बताओ, परिमाण। अच्छा ये तो है सदिश रूप में, ये तो है सदिश रूप में, और ई बराबर एफ बाय क्यू नॉट ये है परिमाण, केवल परिमाण लिखा है मैंने। एफ कैसे होगा? एफ कैसे होगा? दोनों के बीच में कूलम के क्यू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। बल का मान पता चल गया, बल का मान यहां रख दे, एक बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ये तो हो गया तेरा बल, और नीचे किससे भाग देगा? क्यू नॉट से भाग देगा, क्यू नॉट कट जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये दूसरा सूत्र आया, ये दूसरा सूत्र आया क्या, कि एक बिंदु आवेश के कारण से, एक बिंदु आवेश के कारण से जिसको हम बोलते हैं स्रोत चार्ज, क्या बोलते हैं हम इसको, सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज के कारण से, इस सोर्स चार्ज के कारण से किसी बिंदु आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो बेटा जी मैं ये के क्यू बाय आर स्क्वायर निकालूंगा। कितने बच्चों को फील आया जल्दी बताओ? बच्चे कम नहीं होने चाहिए, अरे बात समझ में आई, अरे बात समझ में आई। अब आ जाते हैं सवाल पे। तो कोई भी बिंदु आवेश अगर दिया रहेगा तो उसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब बाकी मैथमेटिक्स है। अब इन सवालों में सिर्फ मैथ लगानी आनी चाहिए। अब देखो मैथ कैसे लगाऊंगा मैं। अब अगला सवाल देख, अब अगला सवाल ये वाला, सवाल को सुनना, मैं केवल मैथ लगाऊंगा, मैं केवल मैथ लगाऊंगा, फिजिक्स खत्म हो गई। सवाल में दो बिंदु आवेश है, दे दिया बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश है और पूछा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सही है यार गुरुजी, अभी अभी हमने पढ़ा एक बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, यहां पर दो बिंदु आवेश दिए हैं तो कोई बात नहीं, दोनों के कारण से अलग अलग लिख लूंगा कि पहले आवेश के कारण से E1, दूसरे के कारण से E2, E1 प्लस E2 कर दूंगा। दूरी तो चाहिए, मैथमेटिक्स ही तो है, सवाल खत्म हो गई, मैथमेटिक्स ही तो है, सवाल खत्म हो गया। दो बिंदु आवेश हैं, अब ध्यान से सुनना, Q1 का मान दे रखा है √10 माइक्रो कूलम और Q2 का मान है -25 माइक्रो कूलम को एक्स अक्ष पर x बराबर 1 मीटर तथा x बराबर 4 मीटर पर रखा है, y अक्ष पर बिंदु y बराबर 3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। आइए सवाल को करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, ओहो हो हो ये थोड़ा सा ज्यादा बन गया क्या, बिंदु हल तो दूसरा यहां करूंगा, सुनिए। हाँ ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, यह है मूल बिंदु ओ, यहां पर मेरा रखा हुआ है Q1 आवेश, उसकी वैल्यू है √10 माइक्रो कूलम, √10 माइक्रो कूलम दे रखा है ना, और कितनी दूरी पर रखा है, कितनी दूरी पर रखा है, एक्स बराबर 1 मीटर पर, कितने दूरी पर, एक्स बराबर 1 मीटर तक है ना, यानी यहां तक है, ठीक है सर। और दूसरा आवेश रखा हुआ है -25 माइक्रो कूलम, -25 माइक्रो कूलम, और ये कितने पे रखा हुआ है, 4 मीटर की पे, और हमसे y बराबर 3 ये रहा। अबे y बराबर 3 यही तो होगा, यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की, ये बिंदु मान लो P बिंदु,
यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछिए, करना कुछ नहीं है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाइए। सवाल समझ में आ रहा है क्या? अब बोलो बात समझ। अच्छा ये 1 मीटर है, ये 3 है, तो ये बताइए। अब भाई ये 1 है, ये 3 है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 का, मतलब 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। ओ हो गुरु जी, ये तो √10 मीटर आई, ये तो गुरु जी √10 मीटर आई। बच्चे कम हो गए, मैं नहीं पढ़ा रहा, बच्चे कम हो गए। तुमसे थोड़ा सा थोड़ी सी बात क्या ना करो, तुम कम हो जाते हो। अरे भैया सवाल कर रहा था मैं, चित्र बना रहा था मैं, भैया चित्र बना रहा था मैं, मेरे को 200 से कम नजर नहीं आने चाहिए बच्चे। ख्वाहिश तो मेरी 300 की थी, लेकिन लेकिन कोई बात नहीं, मैं 200 से काम चला लूंगा, लेकिन इससे कम हुए तो देख लेना। ये √10 है। अच्छा ये 3 है, ये 4 है, तो ये बता दीजिए सर, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या ये 5 मीटर है? क्या ये 5 मीटर है? अच्छा सर ठीक है। बेटा जी ये वाला कोण मान लेते हैं θ1 है, और ये वाला कोण मान लेते हैं θ2 है। ध्यान से सुनिएगा कहानी को। ये मैंने ऐसी अक्ष बना दी x अक्ष के समांतर, ये अक्ष बना दी ऐसे ही, मर्जी कर रहा था, मूड कर रहा था। अब सुन, ये वाला √10 माइक्रोकूलम है, धनावेश है। इस धनावेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, इसको मैंने नाम दे दिया E1। क्या नाम दे दिया? E1। अच्छा ये θ1 है, तो ये θ1 होगा। एक बात और बता दूं बेटा जी, अगर धनावेश होता है तो यहां पर बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, अगर धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी, मतलब उससे दूर होगी। और अगर यही आवेश मेरा ऋणात्मक होता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी ओर होती। अब ये धनावेश है +√10 माइक्रोकूलम, ये +√10 माइक्रोकूलम है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे दूर की ओर होगी, ये रहा। और ये -25 माइक्रोकूलम है, -25 माइक्रोकूलम है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 नाम दे देते हैं, E2 होगी। क्या होगी? E2। अच्छा सुन बेटा, ये θ1 है तो ये θ1 ज्योमेट्री है, प्योर मैथमेटिक्स। ये θ2 है तो ये θ2 है, बात समझ में आनी चाहिए। कितने बच्चों को समझ में आया? बच्चे कम हो गए, अब कम मत हो जाना, बता रहा हूं यार। तुम लोग चले क्यों जाते हो यार, मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा यार, तुम लोग चले क्यों जाते हो यार? तुम्हें मजा आता है मास्टर को परेशान करने में है? चले क्यों जाते हो? सुनो, अब घटक लो, E1 के घटक लो, तो एक घटक ये जाएगा, कितना जाएगा? E1 cos θ1, और ये जाएगा E1 sin θ1, E1 sin θ1। अच्छा ये वाला हम +i कप्पा लेते हैं, ये वाला +j कप्पा, तो पीछे वाला -i कप्पा, और ये वाला -j कप्पा। अब सुन, इसके घटक ले लो E2 के घटक ले गए, तो ये आ जाएगा E2 cos θ2, और ये आ जाएगा E2 sin θ2। E1 और E2 को सदिश रूप में लिख देते हैं, E1 को कैसे लिखेंगे बताइए? -E1 cos θ1 i कप्पा, इधर तो -i कप्पा है ना, ऊपर प्लस है ना, तो +E1 sin θ1 j कप्पा। अब E2 भी लिखो, E2 कैसे लिखोगे? +E2 cos θ2 i कप्पा
नीचे की तरफ है माइनस माइनस ई टू साइन थीटा टू जे कप्पा। बात समझ में आनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। ई वन पता है, ई टू पता है, परिणामी चुंबकीय परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे हो जाएगा? ई नेट कैसे निकालोगे? सर ई नेट निकालोगे ई वन सदेश प्लस ई टू सदेश। कितने बच्चों को यहां तक बात समझ में आई? कितने बच्चों को बात समझ में आई? सर आप दो चार का नाम लेते रहे, भागेंगे नहीं यूट्यूब पर। जी कुमार सुनिए सर, बच्चे कम हो गए। बच्चे कम क्यों हो गए? कम भी तो तुम ही कर रहे हो, मैं कर रहा हूं क्या? सभी लोग सेशन को लाइक करो दिल से यार, बेटा बहुत मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए। सुनो अब ई नेट करेंगे, थोड़ी स्पीड पकड़ लूंगा मैं आने वाले समय में, अपने आप पकड़ लूंगा। मुझे पता है क्या करवाना है, तुम मुझे मत सिखाओ, पर पहले बेसिक समझो, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ईवन का मान रखेंगे माइनस ईवन कॉस थीटा वन आई कप्पा प्लस ईवन साइन थीटा वन जे कप्पा प्लस ई टू का मान रखेंगे ई टू कॉस ई टू कॉस थीटा टू। अच्छा यहाँ पर सदिश रूप मत लिखो ना, फिर तो परिमाण आएगा ना केवल। हाँ ठीक है, आई कप्पा जे कप्पा लगा दिए है ना। ई टू कॉस थीटा टू आई कप्पा माइनस ई टू साइन थीटा टू जे कप्पा। क्या करेगा? आई कप्पा को एक तरफ लिखेगा माइनस ई वन कॉस थीटा वन आई कप्पा प्लस ई टू कॉस थीटा टू आई कप्पा प्लस ई वन साइन थीटा वन जे कप्पा माइनस ई टू साइन थीटा टू जे कप्पा। तो बेटा जी आई कप्पा जे कप्पा एक तरफ कर दिए माइनस ई वन कॉस थीटा वन प्लस ई टू कॉस थीटा टू आई कप्पा प्लस ई वन साइन थीटा वन माइनस 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 ई टू साइन थीटा टू जे कप्पा। कुछ नहीं करना, ईवन ई टू ईवन ई टू के मान निकालने। अब ईवन का मान अगर मैं यहां से निकालूं तो ईवन का मान के क्यू क्यू कितना है? रूट टेन के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर कितना है? रूट टेन का स्क्वायर। अब एक बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी? ईवन की वैल्यू, ईवन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अरे बोलो यार, यही आ जाएगी सर रूट टेन के इंटू रूट टेन बाय दस। और ई टू का वैल्यू के क्यू की वैल्यू कितनी है? 25। अच्छा ये सारे माइक्रो में हैं, ये माइक्रो है। अबे माइक्रो भी तो रहेगा, 10 की घात माइनस 6 25 माइक्रो के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर कितना है? 5 का स्क्वायर। ये 25 से 25 कट जाएगा, ई टू की वैल्यू आ जाएगी के इंटू 10 की घात माइनस 6। सब कुछ समझ में आ गया, ई वन आ गया, ई टू आ गया, साइन थीटा वन और साइन थीटा टू भी निकाल लो यहीं से। साइन थीटा वन बताओ, साइन थीटा वन कॉस थीटा वन सब आ जाएगा। अब साइन थीटा वन कॉस थीटा वन साइन थीटा टू कॉस थीटा टू सारी वैल्यूज आ जाएंगी। यार ये बेटा आयुष, आयुष बेटा मैसेज मत कर बार बार, आयुष बेटा बार बार मैसेज मत कर, परेशान मत करो मेरे को, तुमने परेशान करना चालू कर दिया। आयुष इसको भगाना पड़ेगा, आयुष को टाइम पास कर रहा है सर, बार बार रिपीट कर दो रिपीट कर रहा बोल रहा है। टाइम पास मत करो। हाँ अब बेटा जी ये सवाल कर लोगे, साइन थीटा वन निकाल लो, कॉस थीटा वन निकाल लो, साइन थीटा टू निकाल लो और कॉस थीटा टू निकाल लो, सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। अबे ट्रायंगल देख देख के साइन थीटा कॉस थीटा नहीं निकाल सकता क्या? तरबूज देखते देखते साइन थीटा वन कॉस थीटा वन नहीं निकाल सकता? ईवन और ई टू के मान रख देना, ईवन और ई टू के मान रख देना इस वाले में। जब इसमें सारा रख दोगे तो आंसर आ जाएगा अपने आप, आंसर आ जाएगा अपने आप।
ठीक है, मेरे हिसाब से आंसर ये आएगा, सी आना चाहिए, चेक कर लेना, कोई बुराई नहीं है। आगे चलें, आगे चलें, कर लोगे? हाँ या ना का जवाब दो पहले, कर लोगे? अब कर लोगे, मैं लायक हूं। हाँ लंबा प्रोसेस है, क्या कर सकते हैं, कर लोगे? बोलो बेटा, हाँ कर लेंगे बच्चे। चलिए अगला सवाल करेंगे हम, प्रश्न नंबर 3। अब बेटा ये सवाल ज्यादा टफ नहीं है, सुन लीजिए। अब सुनो, हमसे स्थिति जुड़ जाओ कि स्थैतिक, क्या बोला है, पढ़ो सवाल को, पढ़ो सवाल को, क्या बोला है। दिखाए गए समीकरणीय समद्विबाहु त्रिभुज के 3 कोणों पर बिंदु आवेश हैं, ये रखें कुल स्थैतिक ऊर्जा। बेटा जी अगर मेरे पास 2 आवेश होते ना, मैंने बोला कि ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है और दोनों के बीच की दूरी R है, तो जो स्थैतिक ऊर्जा होती है ना U स्थैतिक, अब बिंदु आवेश, तो ये कितनी हो जाएगी, यानी कि उन निकाय की भी बोल सकते हैं क्योंकि अन्योन्य ऊर्जा तो 0 है, मतलब स्वय ऊर्जा 0 है इनकी, एक्चुअली स्वय ऊर्जा और अन्योन्य ऊर्जा दोनों होती है, हम बिंदु आवेशों की स्वय ऊर्जा 0 मान लेते हैं, तो अन्योन्य ऊर्जा ही निकाय की ऊर्जा होती है, तो यू इंटरैक्शन एनर्जी बोलते हैं इसको, यू हो जाएगा के Q1 Q2 बाय आर, आर स्क्वायर नहीं है आर है, आर स्क्वायर नहीं है आर है, एक और फॉर्मूला दे रहा हूं, कभी भी अगर ये सवाल आ जाए स्थैतिक ऊर्जा का, बच्चे कम हो गए, मजा नहीं आ रहा, बच्चे कम क्यों हो गए, बच्चे कम क्यों हो गए, अरे बोलो यार, अरे बोलो। अब सुनो, अब हमें क्या दिया है, हमें दिया है ये सवाल, सवाल समझो, ये दिया है बेटा जी प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश और प्लस कैपिटल क्यू आवेश, क्या बोला है, समद्विबाहु है, अगर ये भुजा ए है, ये भुजा ए है तो ये भुजा √2a हो जाएगी, ये समकोण है, अरे बोलो यार, तो इन दोनों के कारण से जो एनर्जी है वो U1 है, इन दोनों के कारण से जो एनर्जी है वो U2 है और इन दोनों के कारण से जो एनर्जी है वो U3 है, तो निकाय की कुल ऊर्जा कैसे लिखेगा, निकाय की कुल ऊर्जा U1 प्लस U2 प्लस U3, तो U निकाय कैसे लिखोगे, लिखो चलो मेरे साथ लिखो, सर पहले U1 लिखो, K, अब सूत्र ये रहा Q1 Q2 Q1 Q2 बटे R, R कितनी है A प्लस U2 लिखिए, K Q1 Q2 बटे R A है प्लस K U3 लिखेंगे Q बाय R, R इस बार √2a आएगी, दूरी √2a, कितने बच्चों को यहाँ तक समझ में आया, कितने बच्चों को यहाँ तक समझा, ये लिख दी, सवाल में क्या पूछा है, सवाल में क्या बोला है कि यदि ये ऊर्जा क्या है, 0 है, यानी कि इस पूरे को मिला के मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं 0 करने वाला हूँ, बोला है ना पूरी की निकाय, पूरे निकाय की ऊर्जा क्या है, 0 है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे कैपिटल क्यू का मान पूछा है, किसका मान, कैपिटल क्यू का, तो इसको पूरे को 0 के बराबर करेंगे तो के क्यू क्यू बाय ए प्लस के क्यू क्यू बाय ए प्लस के क्यू क्यू बाय √2a, यही तो है 0। बेटा जी यहाँ से सॉल्व कर लो, के कॉमन ले लो, स्मॉल क्यू कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लो, तो बेटा जी कैपिटल क्यू आ जाएगा प्लस स्मॉल क्यू आ जाएगा प्लस प्लस क्यू बाय √2 आ जाएगा बराबर 0। अब ये चीज़ तो कभी 0 हो नहीं सकती, तो क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू बाय √2 बराबर 0, क्यू प्लस, अब लघुत्तम लेंगे तो √2 क्यू प्लस, अब लघुत्तम ले लो इसका √2 क्यू प्लस क्यू बराबर 0, उधर चला जाएगा, आ गया ना आंसर, अबे बोलो आंसर बता सकते हो, क्यू कॉमन ले लो और, तो कैपिटल क्यू बराबर माइनस √2 क्यू प्लस क्यू बाय
रूट टू सही है, सही है। हमसे किसका मान पूछा है, कैपिटल क्यू का मान पूछा है। मैंने उल्टा लिख दिया, आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दी, कैलकुलेशन में गलती करी और कुछ नहीं करी। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लूँ क्या मैं। बेटा देखो कैलकुलेशन है ना, यही तो है रूट रूट, ऐसा कर लो ना इसको, के क्यू क्यू बाय ए प्लस के क्यू क्यू बाय ए प्लस के क्यू क्यू वाई रूट टू ए बराबर जीरो। कैपिटल क्यू का मान पूछा है तो के कॉमन ले ले, क्यू कॉमन ले ले, ए कॉमन ले ले, कैपिटल क्यू आ जाएगा प्लस स्मॉल क्यू आ जाएगा प्लस कैपिटल क्यू आ जाएगा। हाँ अब सही आया ना आंसर, अब सही आएगा ना, रूट टू आ जाएगा बराबर जीरो। ये चीज़ तो जीरो हो नहीं सकती, इसका मतलब कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय रूट टू बराबर जीरो। तो बेटा जी हमसे कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाय रूट टू प्लस स्मॉल क्यू बराबर जीरो। ऐसा करो कैपिटल क्यू कॉमन ले लो, वन प्लस वन बाय रूट टू बराबर माइनस क्यू, लघुत्तम लेगा रूट टू तो यह आ जाएगा रूट टू प्लस वन है ना। तो कैपिटल क्यू इंटू रूट टू प्लस वन बाय रूट टू बराबर माइनस क्यू, इधर चला जाएगा तो कैपिटल क्यू बराबर माइनस रूट टू इंटू क्यू बाय रूट टू प्लस वन। आंसर आ जाएगा ए, आंसर आ जाएगा ए, क्या आंसर आ जाएगा ए। ये रूट थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला गया, भावनाओं में बह गए ये लोग है ना, आंसर ए। इस तरीके का सवाल आ जाएगा तो कर लोगे। कितने बच्चों को समझ में आया जल्द, कितने बच्चों को समझ में आया, आप थोड़ी बात कर लेते हैं। तीन सवाल हो चुके हैं। देखो बेटा जी एक घंटे में एक चैप्टर करेंगे, चार घंटे में चार चैप्टर करेंगे, उस चीज की तू चिंता मत कर, इतने ही सवाल है, आराम से करेंगे, परेशान क्यों होते हो तुम है ना सर कॉन्टैक्ट। कितने बच्चों को समझ में आया, थोड़ी देर बात कर लेते हैं। बेटा जी मजा आएंगे, जी सर कर लेंगे, कर लोगे। अगले सवाल पे चले, अगले सवाल पे आ जाएंगे। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण का सवाल है, सवाल को करेंगे, केवल वेक्टर है, सवाल को करेंगे। यार बच्चे कम हो जाते हो यार तुम लोग फटाफट से। और जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है, पहले तो जाके लाइक कर दीजिए, पहले तो जाके लाइक कर दीजिए। बच्चा बोल रहा है सर वो जीरो क्यों नहीं होगा, अरे बेटा वो कांस्टेंट है ना यार, ये कभी जीरो हो सकता है क्या यार, कैसी बातें कर रही है, तो हमेशा फिक्स है ना, नियत है, ए नियत है, ये तो फिक्स है ना, नियत है। अबे भुजा की लंबाई थोड़ी ना बदल देगा, ए के थोड़ी ना बदल देगा, स्मॉल क्यू थोड़ी ना बदल देगा, यानी कि ये चीज जरूर जीरो रही होगी, कैसी बातें करता है। आइए सवाल करते हैं, के क्यू बाय जीरो कैसे हुआ, कहां किया मैंने के क्यू बाय जीरो, ए जीरो प्रतीक यादव, अरे बोल तो रहा हूं ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, केवल ये जीरो है, अरे क्या पागल हो क्या बिल्कुल यार, कबूतर खाने से आया हो क्या है, पागल हो क्या बिल्कुल यार तुम लोग। अनुराग चतुर्वेदी गुड मॉर्निंग बेटा, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब सवाल सुनो, हमको क्या दे रखा है, हमको द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, तो पहले तो द्विध्रुव आघूर्ण बताऊंगा मैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो कॉन्सेप्ट चल रहा है, पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ फिर सवाल सिखाता हूँ। बेटा जी उन्होंने ये बोला है कि दो आवेश समान परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति के, यानी कि परिमाण मतलब क्यू है तो क्यू रहेगा बट एक माइनस है एक प्लस है, और दोनों को हमने बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखा है, 12 का मान छोटा है, 12 छोटा है, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण कर लेते हैं। इस पूरी व्यवस्था को कहते हैं द्विध्रुव, इस पूरी व्यवस्था को कहते हैं द्विध्रुव, और ये मिलकर के एक द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण कर लेते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी, द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो माइनस से प्लस की ओर होती है, इसको पी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, पी से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
किसे दिखाते हैं इसको? पी से। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? और जो इस पी का जो वैल्यू होगा वो होगा किसी भी एक आवेश का, कोई भी एक आवेश का परिमाण इनटू उन दोनों के मध्य की जो दूरी है, ये होता है तेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सूत्र समझ में आया? ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, बच्चे इसको क्रॉस समझ लेते हैं कि गुरुजी ये क्रॉस प्रोडक्ट है। पागल है क्या? क्रॉस तो दो सदिशों का होता है, क्यों कोई सदिश थोड़ी ना है, क्यों कोई सदिश थोड़ी ना है। बच्चे बहुत कम हो गए, बच्चे सच में बहुत कम हो गए। सुनिए, तो Q इंटू टू एल, अगर मैं परिमाण की बात करूं, इसके परिमाण की, केवल इसका परिमाण, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे Q इंटू टू एल। चलिए अब बात करते हैं। अच्छा, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, क्या है ये? सदिश राशि। तो जब भी द्विध्रुव आघूर्ण को जोड़ें, मान लीजिए मैंने बोला कि एक द्विध्रुव आघूर्ण है तेरे पास P1 सदिश, एक है P2 सदिश, और P1 सदिश का परिमाण बराबर है P2 सदिश के P के, तो दो सदिश 90 डिग्री पर हैं, तो इनका जो परिणाम ही होगा वो रूट टू पी हो जाएगा। अब कोई भी दो सदिश 90 डिग्री पर होते हैं और समान परिमाण होता है तो परिणामी अंडर रूट टू पी, परिणामी का जो परिमाण होगा वो रूट टू पी हो जाएगा, परिणामी का जो परिमाण होगा वो रूट टू पी हो जाएगा। बच्चे यार मजा नहीं आ रहा यार, बहुत बच्चे गायब हो गए, बहुत बच्चे गायब हो गए, बच्चे सो गए यार, यही जोश था तुम्हारा, बस यही जोश था तुम्हारा। अरे जब मेरा ठंडा नहीं हुआ जोश तो तुम्हारा कैसे ठंडा हो गया यार, कैसी बातें करते हो बच्चे हैं, बस इतना ही जोश था। अब उन्होंने बोला है कि दिए गए तीन आवेश हैं, तीन आवेश है संभाव त्रिभुज के सिरों पर रखे गए हैं, निकाय का कुल विद्युत आघूर्ण ज्ञात करना है। ये एक्स है, ये वाई है, एक संभाव त्रिभुज बना लो, ये रहा संभाव त्रिभुज। इस संभाव त्रिभुज के तीन शीट्स हैं, इस संभाव त्रिभुज के तीन शीट्स हैं। अच्छा, संभाव त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है तीनों भुजाएं समान होंगी, तीनों कोण भी समान होंगे, 60 डिग्री, किसी को कोई शक? सवाल यहीं करवा दूंगा। अच्छा, यहां पर आवेश जो रखा हुआ है, यहां पर रखा हुआ है माइनस टू क्यू आवेश, और यहां पर रखा है प्लस क्यू आवेश, और यहां रखा है प्लस क्यू आवेश, आंसर बताओ। हाँ, टू ट्वेल्व बराबर डी रख सकते हैं, ट्वेल्व बराबर डी रख सकते हैं। बेटा जी तुम्हारा जोश तो ठीक है, लेकिन आज मेरा जोश ठंडा मत करना, बच्चे कम हो गए। तुम्हारा जोश तो ठीक है, बच्चा कम मत करना यार, ये ना बच्चा परेशान करेगा, सुमेश शर्मा इसको भगाना पड़ेगा, ये मानेगा नहीं, पहली बार आया ना ये सौरभ सर की क्लास में, इसको पता नहीं है रूल्स कायदे कानून। हाँ सुनो, हाँ अब बेटा जी देखो, ये जो माइनस टू क्यू है, इस माइनस टू क्यू को मैं माइनस क्यू और माइनस क्यू रख सकता हूं क्या? कोई बुराई नहीं है भाई, माइनस टू क्यू को मैं माइनस क्यू और माइनस क्यू ले सकता हूं, इस माइनस टू क्यू को मैं माइनस क्यू और माइनस क्यू ले सकता हूं, कोई बुराई नहीं है। बोलो, तो ये एक क्या बन जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण, और एक ये क्या बन जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, एक द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, एक द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा, बोलो बन जाएगा। अच्छा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, तो माइनस क्यू से प्लस की ओर, मान लेते हैं इसको नाम दे दिया P1, और इस वाले की भी दिशा ये रही P2। अरे गुरुजी ये तो दो सदिश है, P1 और P2 दो सदिश हैं, और उनमें 60 डिग्री का कोण है। कहानी यह है बेटा जी कि ये P1 है, ये P2 है, और दोनों के बीच में 60 डिग्री। अब मैं पहले P1 निकालना चाहता हूं, P1 सदिश का परिमाण, केवल परिमाण की बात करूं तो बेटा जी Q इंटू क्या होता है? किसी भी एक आवेश का परिमाण
इंटू दोनों के मध्य की दूरी, कोई भी एक आवेश ले लो तो क्यू इंटू दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, एल है। और पी टू का मान भी निकालूंगा, किसी भी एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी। अरे अरे, पी वन और पी टू का तो परिमाण बराबर है, यानी कि दो सदिश और केवल समान परिमाण, दो सदिश समान परिमाण मान लेते हैं पी और पी है। अब पी वन और पी टू बराबर आए ना, पी वन और पी टू बराबर आए तो पी मान ले 60 डिग्री पर है, किस पर है 60 डिग्री पर, तो परिणामी ठीक मध्य में आएगा। पहली बात तो परिणामी ठीक मध्य में आएगा। बेटा अगर इस वाली को तुम प्लस आई कप्पा ले रहे हो तो ऊपर वाली को प्लस जे कप्पा, तो नीचे वाली माइनस जे कप्पा। और कैसे निकालोगे, दो सदिशों के मध्य 60 डिग्री है तो परिणामी कैसे निकालते, याद है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद आया, दो सदिशों का जोड़ने का, एक का जगह p रखेगा p स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2, a की जगह b p रखेगा, b की जगह p रखेगा, और cos 60 का मान आधा, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर cos 60 का मान 1/2 इससे खत्म हो जाएगा, तो p बराबर पी 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 3p स्क्वायर, तो जो r आएगा, ये r जो आएगा वो √3p आएगा, तो परिणामी आया √3p। रूट थ्री और p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू q इंटू l, और सदिश रूप में लिखेगा तो √3 q इंटू l, और नीचे की तरफ आया माइनस j कप्पा, मतलब -√3 QL J कप्पा। कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा है मेरा लेक्चर, कॉन्सेप्ट के साथ, बच्चे बहुत कम हो गए यार, सच में यार बच्चे बहुत कम हो गए यार, बच्चों प्लीज यार सीरियसली कह रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा। सवाल क्लियर है, चौथा, पांचवा सवाल करवाऊं। अब पांचवे सवाल पे बेटा जी हम संधारित्र वाले सवाल पे आ गए, किस पे आ गए, संधारित्र वाले सवाल पे आ गए। मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूं, ये जो संधारित्र वाला सवाल तुम्हें दिख रहा है, अब संधारित्र वाला सवाल करेंगे सभी बच्चे, करिए यार, बच्चे बहुत कम लोग हो गए यार, थोड़ी देर पानी पी लूँ बेटा मैं, हैं, पानी पी लूँ क्या, मजा आ रहा है क्या, सभी बच्चे बोलेंगे हाथ उठा के, मजा आ रहा है क्या यार, ये क्या बोल रहा है यार गुरुजी, ये फॉर्मूला क्यों लाया है, पागल है क्या तू, भगाओ इसको, इसको भगाओ, ये परेशान करेगा, ये है ही नहीं इस लाइक। चलो अब हम अगले सवाल पे आ चुके हैं, सवाल क्या है, संधारित्रों का सवाल है, थोड़ा संधारित्रों के बारे में भी बता देता हूँ, सवाल को पढ़ेंगे मजा आएगा। दिखाए गए चित्र में 10 माइक्रोफेरड के संधारित्र की, ये रहा 10 माइक्रोफेरड के संधारित्र की बाई प्लेट पर -30 माइक्रोकुलाम का आवेश है, तो 6 माइक्रोफेरड, ये रहा 6 माइक्रोफेरड संधारित्र की दाई प्लेट पर आवेश होगा। ये सवाल पहले बच्चों आप लोगों को करवाऊंगा मैं, हाँ विभव भी करवा दूंगा बेटा, जल्दी करेंगे सभी बच्चे। 10 माइक्रोफेरड की जो संधारित्र की जो प्लेट है उस पर 30 माइक्रोगुलाम का आवेश है, कितना, 30 माइक्रोगुलाम का आवेश है, बाई प्लेट पर -30 है, अब बाई प्लेट पर -30 है,
सभी बच्चे करेंगे। कहाँ है 30 सर? कहाँ सर 30 नहीं है, 30 नहीं है, ये क्या है 30? अब क्या पागल हो गया? -18 माइक्रोकूलम। बेटा जी सोच समझ के करना, यहाँ पर दो ऑप्शन है, -18 का भी है और +18 का भी है, -18 माइक्रोकूलम का भी है और +18 कूलम का भी है। अब सुनो सवाल को, मैं करवाता हूँ, सब बच्चे बात नहीं करेंगे, कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा, सवाल को सुनेंगे, छोड़ दो सवाल। ये बेटा जी तेरा संधारित्र है, ये संधारित्र है, बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, टाइम पास नहीं करना बिल्कुल भी, पढ़ना है बेटा जी, ऐसी थोड़ी ना, मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत तुम अकेले नहीं कर रहे हो, मेहनत मैं भी कर रहा हूं तुम्हारे साथ, ध्यान रखना इस चीज का। ये है 10 माइक्रोफेरड, 10 माइक्रोफेरड है, यह है 6 माइक्रोफेरड और यह है 4 माइक्रोफेरड और यह 2 है। उन्होंने बोला है कि 10 माइक्रोफेरड संधारित्र की बाई प्लेट, बाई मतलब ये वाली प्लेट पर माइनस, मतलब ये इस पर माइनस आवेश है, इस पर प्लस आवेश है, और 30 माइक्रोकूलम का आवेश है। तो सोच के देख, यहां से कुल आवेश तेरा 30 जा रहा है, यहां से कुल आवेश तेरा कितना जा रहा है, अब यहां से कुल आवेश कितना जा रहा है, 30 जा रहा है। अच्छा ये प्लस है तो ये वाला माइनस होगा और ये वाला प्लस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस और ये प्लस, ऐसे इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। बोलो बात समझ में आई? अब सर हमें इस पर निकालना है, इस वाले पर, तो मान लेते हैं इस पर Q1 आवेश गया, कितना आवेश गया Q1, और मान लेते हैं इस पर Q2 आवेश गया, मान लेते जैसे ऐसे बोलते ना I धारा आई, I1 I2 में बढ़ गई, तो Q1 जो मुझे निकालना है, Q1 आवेश जो है वो संधारित्र धारिताओं के अनुपात में, तो हम निकालेंगे 6/6 माइक्रोफेरड बटे दोनों का योग, मतलब C1, अब Q1 निकालना है तो C1/C1+C2, तो 6 माइक्रोफेरड प्लस 4 माइक्रोफेरड इंटू कुल आवेश, कुल कितना आ रहा था 30 माइक्रोकूलम। सर Q1 बराबर कितना आएगा, 6 माइक्रोफेरड तो ऊपर है, 6 और 4 10 माइक्रोफेरड नीचे है और ऊपर 30 माइक्रोकूलम है। सर माइक्रोफेरड से माइक्रोफेरड जाएगा, ये 10 से ये कट जाएगा 3, 6 12 6 3 18, तो Q1 आवेश जो आएगा वो 18 माइक्रोकूलम आएगा, यानी कि 18 माइक्रोकूलम आवेश इस पर आएगा। लेकिन हमसे कौन सी प्लेट पर पूछा है, हमसे पूछा है 6 माइक्रोकूलम वाले माइक्रोफेरड जो संधारित्र है ये, इसकी दाई प्लेट, दाया मतलब ये वाला प्लेट, इस पर तो प्लस आवेश है, यानी कि आंसर में +18 माइक्रोकूलम जाएगा। सवाल खत्म हुआ। बेटा जी देखो बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, जल्दीबाजी में -18 लिख देते हैं, बहुत सारे बच्चे -18 लिख देते हैं, गलती करते हैं बच्चे, सच में बहुत कम हो गए हैं। मैंने तो उनको IIT की कसम भी दी थी, पर वो चले गए, नहीं माने। चले अब बेटा जी ये सवाल है, इसको मैं थोड़ी देर में करवाऊंगा आपको, है ना, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक को खत्म करते हैं, इस वाले सवाल का पैटर्न करवाऊंगा, इस तरीके के सवाल जेई मेंस में आते हैं, लेकिन पहले चलते हैं इस वाले सवाल पे, प्रश्न नंबर 7, सभी बच्चे करेंगे प्रश्न नंबर 7 को, सभी बच्चे प्रश्न नंबर 7 को, आगे टाइम नहीं लगेगा, आगे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, वो शुरू होते ही खत्म हो गया। सवाल करिए,
5 माइक्रो कूलाम आवेश वाला एक द्रव वाला और द्रव्यमान 2 ग्राम का एक सरल दोलक का बॉब तीव्रता 2000 वोल्ट पर मीटर के एक समान क्षैतिज विद्युत क्षेत्र में विराम अवस्था पर है। कहानी कुछ ये वाली है, सवाल समझेंगे, सवाल का कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सवाल है। वैसे तो ये बॉब है और ये पूरी व्यवस्था को हम दोलक या सरल लोलक कहते हैं। अब समझ में आ रहा है क्या? इसे कहते हैं बॉब। इसका द्रव्यमान हमें 2 ग्राम दे रखा है। मैं द्रव्यमान वगैरह सारी यहाँ लिख दूँ क्या? इसका द्रव्यमान हमें दे रखा है 2 ग्राम। तो बेटा जी किलोग्राम में बदलेंगे तो 1 ग्राम मतलब 10^-3 किलोग्राम। अबे यार 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, तो 1 ग्राम बराबर 1/10^3 किलोग्राम। 10^3 ऊपर जाएगा तो 10^-3 किलोग्राम। ये तो कन्वर्जन है, आना चाहिए। 15 दिन बाद आईआईटी दोगे, ये तो कन्वर्जन है, आने चाहिए यार। 15 दिन बाद आईआईटी दोगे, ये तो कन्वर्जन है, आने चाहिए। बोलो यार, बात समझ में आई? बोलो। तो ये तो है m बराबर 2×10^-3 किलोग्राम। अच्छा, हमें आवेश का मान भी दे रखा है 5 माइक्रो कूलाम मतलब 10^-6 कूलाम। एम पता है, क्यों पता है? उन्होंने बोला है कि हमने विद्युत क्षेत्र लगा रखा है, यहाँ पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगा रखी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दे रखी है वो 2000 वोल्ट प्रति मीटर होती है। मात्रक इसके दोनों हो सकते हैं, न्यूटन अबे न्यूटन प्रति कूलाम भी हो सकता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। 2000 वोल्ट प्रति मीटर जो दे रखा है वो हमें ई का मान दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमसे पूछा है कि एक समान क्षैतिज विद्युत क्षेत्र में इसको लटकाया है और ये विराम अवस्था में है प्रारंभ में, पर जैसे ही मैंने विद्युत क्षेत्र आरोपित करूंगा तो इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर आवेश है क्यू। अबे क्यू आवेश की वैल्यू ये रही, आवेश क्यू की वैल्यू ये रही ना, तो इसका मतलब इस पर आवेश तो है। और कोई भी अगर आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा रहता है तो उस पर बल आता है। तो ये क्या करता है? साम्यावस्था में ऊर्ध्वाधर से जो कोण बनाएगा वो कोण पूछा है हमसे। अब ये कोण कैसे बनाएगा? ये हो जाएगा थोड़ी देर के बाद ऐसे। तो ये कोण बनाएगा ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा डिग्री। अब ये समझ में आ रहा है क्या नालायक? कहां से आ गए हो तुम धरती पे? हैं? समझ में आया? इसको बोलते हैं बेटा सस्पेंशन पॉइंट बोल दो, निलंबन बिंदु बोल दो। खैर, अब ये वाला, अब मैं विद्युत क्षेत्र हटा रहा हूं, ये है ना, यहां से ये थोड़ा सा फील नहीं आएगा, यहां बना देता हूं विद्युत क्षेत्र, है ना, या विद्युत क्षेत्र यहां बना देता हूं। कितना है? 2000 वोल्ट प्रति मीटर। अब सुनो बेटा, इसको कौन लेके गया होगा यहां पर आगे? इसको कौन लेके गया होगा बेटा जी? जब एक आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा होता तो उस पर एक बल लगता है क्यूई। कौन सा बल लगता है? एफ बराबर क्यूई। कौन सा बल लगता है? F बराबर QE। ये रस्सी है बेटा जी, इस रस्सी में एक बल आएगा, दैट इज तनाव बल। अच्छा, नीचे की तरफ इसके पास mg है इसका भार, ये एंगल थीटा है। कितने बच्चों को ये पता है? ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है। अब इसको घटकों में तोड़ेंगे, t को जब घटकों में तोड़ोगे तो ये हो जाएगा t cos थीटा, ये हो जाएगा t cos theta। तो बेटा साम्यावस्था की कंडीशन है, साम्यावस्था क्या कंडीशन है? बच्चे कम क्यों होते जा रहे हैं यार? साम्यावस्था की कंडीशन है। और साम्यावस्था में क्या होता है? साम्यावस्था में आगे वाला बराबर पीछे वाला, यानी कि बेटा जी t sin theta का मान बराबर है QE के। t sin theta बराबर QE t cos theta बराबर mg। मतलब एक्चुअली में लगने वाला सभी बलों का जो सदिश योग है वो जीरो होना चाहिए। तो बेटा जी इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, दोनों को भाग दोगे, दोनों को क्या दे दो भाग दे दो। यहीं पे कर दिया तो t से t कट जाएगा, sin theta बटे cos theta आ जाएगा tan theta, तो tan theta बराबर आ जाएगा QE/mg। तो उससे थीटा पूछा है, थीटा निकल जाएगा, tan थीटा बराबर QE/mg।
एम जी, आइए टेन थीटा कैलकुलेट करते हैं। क्यू कितना है? 5 × 10⁻⁶। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? 2000। एम कितना है? 2 × 10⁻³। और जी का मान कितना ले लो? 10 ले लो। तो बेटा जी ये हो जाएगा 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। 10⁻³ यानी कि ये 3 जीरो और ये 3 जीरो मिलके ख़त्म कर देंगी इसको 10⁻⁶ को, और ये 5 × 2 = 10 और ये नीचे 10 को ख़त्म कर देंगे तो टेन थीटा बराबर 1/2, थीटा बराबर टेन इनवर्स 0.5, टेन इनवर्स 0.5, ऑप्शन आया सी। बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? अब देखो धीरे धीरे स्पीड पकड़ ली ना अपन ने, धीरे धीरे स्पीड पकड़ ली। कितने बच्चों को सवाल समझ में आया? मजा आ रहा है। बच्चे कम है यार, मुझे नहीं पता बच्चे क्यों लोग कम हो गए तुम लोग। सातवां सवाल हो गया। आइए अब हम चलते हैं बेटा जी आठवें नंबर के सवाल पे। ध्यान से सुनना सवाल नंबर क्या है आठवां। जेई मेन 2019 का सवाल है। अब हमारा नया चैप्टर चालू हो गया, स्थिर विद्युत की खत्म हो गया है। अब हमने आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। अब हम आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, विद्युत धारा वाले चैप्टर पे आ चुके हैं। अब हमारा नया चैप्टर शुरू हो गया है विद्युत धारा। अब हमारा नया चैप्टर शुरू हो गया है विद्युत धारा। चलिए सवाल करेंगे। सवाल बहुत अच्छा है, सवाल बहुत अच्छा है, करोगे? देखो मैंने अच्छे अच्छे सवाल निकाले हैं तुम्हारे लिए। अच्छा तुम लोग बोर तो नहीं हो गए? बोलो यार तुम लोग बोर तो नहीं हो गए? हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा बोलो। यस बच्चे कम क्यों हो गए यार? मजा आ रहा है। जोश कायम है, जोश बना रहना चाहिए बेटा। जो सवाल मैंने करवाए वो सवाल करके आज का लेक्चर में जितने सवाल करवाऊंगा अगर तू उतने भी करके आ जाता है तो तेरे जेई मेंस में नंबर पक्के हैं। और समझ तो आ रहा है, समझ तो आ रहा है। हाँ लो साइड हट जा, सवाल करेंगे अब। हाँ अभी तो मंजिलों से हाथ मिलाना है, जो अभी तक किसी ने नहीं किया वो करके दिखाना है। ये एक बहुत प्यारे बच्चे ने। बेटा जी मेरे पास 2021 का भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, वो भी मैं करवाऊंगा 2021 का। सुनो सवाल समझो, उन्होंने बोला है, अब बातें नहीं, अब वापस आ जाओ पढ़ाई पे, 2 मिनट बातें कर ली अपन ने। अब सुनो, 3 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु के तार को खींचकर उसकी पुरानी लंबाई का दोगुना एक समान तार बनाया जाता है। इस नए तार को मोड़कर तथा दोनों सिरे जोड़कर एक वृत्त बनाते हैं। अब सबसे पहले तो ये कि मेरे पास एक तार है बेटा, तार है तो आर है, यानी कि इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा 3 ओम, और इस तार की जो लंबाई है यानी कि इसको मैं अगर थोड़ा सा ऐसे बनाऊं, अगर मैं इस तार को थोड़ा सा ऐसे बनाऊं तो बेटा जी इसकी लंबाई है L, इसकी लंबाई है L, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A, इसका रो क्या है? पदार्थ का घनत्व है। तो R बराबर क्या होता है? रो L बाय A, ये हमें पता है और हमें ये दे रखा है, और हमें ये दे रखा है 3 ओम रो L बाय A। उन्होंने बोला है इसको खींचिए, इस तार को खींचिए, तो खींचेंगे तो पदार्थ थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। अब सोना है, सोने को खींच के सोना कर बड़ा कर दे, तेरे हाथ में गोल्ड है, गोल्ड को खींच दे तो चांदी थोड़ी ना हो जाएगा, रहेगा तो गोल्ड ही।
डायमेंशंस बदलेंगी, लंबाई क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा। एल डैश जो है, और बोला है तो दुगना कर दें पुरानी लंबाई का, पुरानी लंबाई है एल, तो नई लंबाई हमने दुगनी कर दी 2L। मजा आएगा। ए बेटा सुन ले यार, तेरे फायदे की बात कर रहा हूं, तेरे फायदे की बात कर रहा हूं, सुन ले। हाँ, खींच कर उसकी पुरानी लंबाई का दुगना, एक समान तार बनाया गया है। इस नए तार को मोड़कर, अच्छा मुझे क्षेत्रफल के बारे में नहीं बात करी, लेकिन जब मैं इसको छोड़ू खींचूंगा तो इसका क्षेत्रफल ए डैश हो जाएगा। वो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आयतन से। इसका आयतन कितना? लंबाई है ए और क्षेत्रफल है ए, लंबाई है एल, क्षेत्रफल है ए, ये इसका आयतन है। तो इसका आयतन भी तो समान रहेगा, बी डैश कितना रहेगा? क्षेत्रफल है ए डैश, लंबाई है एल डैश, तो बी डैश बराबर ए डैश इंटू 2L। और बेटा जी आयतन संरक्षण से लगाएंगे, बी बराबर बी डैश, तो ए इंटू एल बराबर ए इंटू एल बराबर ए डैश इंटू 2L, एल से एल जाएगा, ए डैश बराबर ए बाई 2। ओहो हो हो, अगर मैं इसकी लंबाई को दुगना कर दूं तो क्षेत्रफल पुराने वाले का आधा हो जाता है। मैंने ये किया है आयतन संरक्षण से, वॉल्यूम कंजर्वेशन से। आयतन संरक्षण से किया है मैंने ये सवाल। आ रहा है बेटा समझ में? तोलाराम आ चुके हैं। चलिए, तो आयतन सर आधा हो जाएगा। तो बेटा जी इसका नया प्रतिरोध क्या बनेगा? नया प्रतिरोध आर डैश, मान लो रो तो रो ही रहेगा, तो आर डैश की वैल्यू क्या आएगी? रो एल डैश, एल डैश नई लंबाई ये है, और टू ए मतलब ए, ए डैश ए बाई 2। ओहो हो गुरु जी, आर डैश कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 4 रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए की वैल्यू कितनी है? 3, तो आर डैश बराबर 4 इंटू 3 यानी कि 12 ओम। तो जो नया तार है ना, उस नए तार का प्रतिरोध है 12 ओम। अच्छा अब आपको सुनाता हूं ट्रिक। जब भी आपको ऐसा दिया जाए कि भैया जी एक तार है, इसकी लंबाई है एल, इसको खींचकर एन गुना कर देते हैं, कितना कर देते हैं? एन गुना, खींचकर इसको एन गुना कर देते हैं। इसका प्रतिरोध अगर आर है, रो घनत्व है, रो इसका पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, तो इसका जो आर डैश होगा वो एन स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, पुराने वाले का एन स्क्वायर गुना हो जाता है। अब मैंने इसको दो गुना किया है ना, तो दो की जगह एन की जगह दो रख, दो का स्क्वायर 4, और पुराना कितना था? 3 था, तो 4 इंटू 3 12, ये इसकी ट्रिक है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस इसलिए करवाया क्योंकि तुम बोलते गुरु जी ये ट्रिक कहां से आई, मुझे पता है तुम लोग बोलते है ना। अब नया प्रतिरोध हमें पता चल गया इस तार का। अब उस नए तार से हम क्या करते हैं? एक वृत्त बनाते हैं। इस नए तार से हमने क्या बनाया? वृत्त बनाया। जो नया तार हमें मिला है ना, जो नया तार हमें मिला है ना, जिसका प्रतिरोध 12 ओम है, इस नए तार से हमने क्या बनाया? एक वृत्त बनाया। इस पूरे वृत्त का ये तार का ही तो बना हुआ है, इसका पूरे का अगर मैं बताऊं आपको प्रतिरोध कितना है, तो पूरे का प्रतिरोध 12 ओम। ये केंद्र है, ये 60 डिग्री का एक चाप ले लिया, और ये चाप उन्होंने बोला है कि दोनों सिरों को जोड़कर एक वृत्त बनाते हैं। यदि इस वृत्त के दो बिंदु, क्या बोला है? यदि इस वृत्त के दो बिंदु केंद्र से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये रहा वृत्त के दो बिंदु ए और बी, 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो इन दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा, हमें आर ए बी चाहिए। अब सुन बेटा पूरा, अच्छा 60 60 60 60 के कितने भाग होंगे? पूरा वृत्त कितने का 360 डिग्री का, तो 60 60 60 60 के ऐसे 6 भाग होंगे, 60 60 60 60 के 6 भाग होंगे। अब 60 60 डिग्री 60 60 डिग्री के 6 भाग होंगे, पूरे का प्रतिरोध 12 है, तो हर एक भाग के बट में कितना प्रतिरोध आएगा? हर एक भाग के बट में कितना प्रतिरोध आएगा? 2 ओम का प्रतिरोध आएगा। अबे 12 बटे 6 2 ओम, भाई 12 कुल प्रतिरोध 12 है, ऐसे 6 भाग हैं, तो हर भाग 2 ओम 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 2 ओम, सारे श्रेणी क्रम में। अब ये 2 ओम है, तो बचे हुए इस वाले भाग का प्रतिरोध, या ये 2 ओम है, पूरे का 12 है, तो इस पूरे का प्रतिरोध 10 ओम। ये पता है सवाल कैसा रह गया?
ये 10 ओम है, ये 2 ओम है, ये ए है, ये बी है। दो दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में होते हैं तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? R1 R2 10 × 2/10 + 2, 20/12, 2 से काटेगा, 10/6, 5/3, तो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 5/3 ओम। कैसा लगा सवाल? धांसू सवाल लाया हूं तेरे लिए। मेरे हिसाब से इन सवालों को कर लेना, इससे ज्यादा टफ क्या करेंगे वो सवाल को, तू ही बता दे। इससे ज्यादा वो सवाल को टफ क्या करेंगे? मजा आया क्या? बच्चे कम हो गए, लेकिन मेरे को सच में मजा नहीं आया, बच्चे बहुत कम हो गए यार। बच्चे सच में बहुत कम हो गए, मैंने सब सोचा था लेकिन ये उम्मीद तो नहीं की थी यार बेटा मैंने। क्या ये दिन देखने के लिए तुमने मुझे बुलाया है? क्या तुमने मुझे ये दिन देखने के लिए यहां बुलाया था? हैं? और अभी तक तो बहुत सारे बच्चों ने लाइक भी नहीं किया मेरी वीडियो को। खैर, 8वां सवाल हो गया, तो प्रश्न नंबर 9th करेंगे। प्रश्न नंबर 9 करेंगे बेटा जी। सभी बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है, सारा सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट के साथ सिखा रहा हूं। प्रश्न नंबर 9 करेंगे सभी बच्चे। चलिए, आपको क्या दिया है? दिए गए परिपथ में जब स्विच एस को बंद करते हैं तो धारा आई का मान होगा, ये रहा स्विच एस, ये रहा स्विच एस, इसको बंद करेंगे, जब इसको बंद करेंगे, क्लोज कर देते हैं, तो धारा का मान सवाल करिए। बोर तो नहीं हो गए तुम लोग? अबे तुम लोग बोर तो नहीं हो गए? तुम लोग बोर तो नहीं हो गए? तो बच्चों की संख्या बड़ी क्यों नहीं? सुनिए, मैं सवाल करवा देता हूं, सवाल क्या है सुनिए, मैं जब करवाऊंगा तब तुम्हें थोड़ा ज्यादा समझ में आता है चीजें। ये बी है और ये ए है, ठीक है, और ये है बिंदु सी। ये V बराबर 0 है, ये है S। अच्छा बेटा जी, यहां पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी है, यहां पर 2 ओम लिख लो इसको, यहां पर भी 2 ओम दे रखा होगा वरना सवाल होगा नहीं फिर। ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 20 वोल्ट का ये है और ये 10 वोल्ट है इस वाले पॉइंट का। अच्छा, यहां पर उन्होंने ये दे रखा है कि भैया जी ये I2 है, और ये उन्होंने दे रखा है कि ये I1 है, और यहां पर हमसे दे रखा है, और यहां हमसे दे रखा है ये I है, क्या है I, और हमसे इस I का मान पूछा है। सवाल तेरे सामने है बेटा अमन, एक ही बार में मैसेज करोगे तो ज्यादा सही लगेगा, ठीक है, एक ही बार मैसेज कर, सुन लिया मैंने, 5 आंसर है, अच्छी बात है। सुनिए बेटा जी, अब मैं सर्किट को क्या कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं,
सर्किट पूरा हो गया, परिपथ पूरा हो गया स्विच बंद करते ही, स्विच बंद करते ही। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, इसका प्रतिरोध, इसका इसका वोल्टेज है 20, इसका जीरो है, इसका 10 है। गुरु जी इसका नहीं पता, तो मान लेते हैं बेटा जी इस बिंदु का, इस बिंदु का जो विभव है वो है एक्स वोल्ट। क्या मान लेते हैं? एक्स वोल्ट। क्या मान लेते हैं? एक्स वोल्ट। तो यार एक बात बताओ सर, मैं यहां पर संधि पर, संधि पर संधि नियम लगा दूं, ये I1 और I2 आ रही हैं, तो I1 का मान प्लस I2 का मान आने वाली धारा है ना, I1 भी आ रही है, I2 भी आ रही है, संधि पर खड़ा हो जा, संधि पर खड़ा हो जा, तो I1 भी आई और I2 भी आई, I1 आ रही है, I2 आ रही है, और I1 और I2 मिलकर के कितनी जा रही है? आई जा रही है। मैंने गलत किया क्या? I1 और I2 मिलकर के कितनी जा रही है? आई जा रही है। अब I1 का मान कैसे लिखेंगे? I1 का मान अब देखो, अब मैं इस समीकरण को सॉल्व कर रहा हूं, I1 प्लस I2 बराबर आई है। अब बेटा जी V बराबर क्या होता है? आई आर। तो I बराबर क्या होगा? V बाय आर। अब देखना कैसे रखूंगा V बाय आर। ये I1 धारा कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है, तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना आएगा? 20 माइनस एक्स। अब यार इस वाले बिंदु का विभव है 20 वोल्ट, इस वाले बिंदु का विभव है एक्स वोल्ट, धारा ऐसे जा रही है, इसका मतलब उच्च विभव से निम्न विभव जरूर ये बढ़ा रहा होगा। तो 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स वी हो गया, विभवांतर हो गया, बटे आर। आर कितना है? 2। यही तो है तेरा आई वन, प्लस आई टू निकलेंगे। अब धारा इधर जा रही, तो 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स बटे 4 बराबर आई। आई धारा इसमें से जा रही है, एक्स माइनस जीरो। इस ये अर्थिंग की है, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब है पोटेंशियल जीरो ले रहे, तो एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो बटे इसका प्रतिरोध 2। यहां से एक्स निकाल लो, तो 20 माइनस एक्स बटे 2 प्लस 10 माइनस एक्स बटे 4 बराबर एक्स बटे 2। 4 लघुत्तम ले लो, 2 गुना 20 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स बराबर एक्स बटे 2। ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो 20 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स बराबर एक्स, माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस टू एक्स, तो 20 और 10 30, माइनस टू एक्स बराबर एक्स, तो 30 बराबर 3x, x बराबर 10 वोल्ट, x बराबर 10 वोल्ट। x का मान 10 वोल्ट का मतलब समझ में आया कि I2 का मान 0 है? x का मान 10 वोल्ट का मतलब समझ में आया 10 0 है, क्यों? क्योंकि इन दोनों का विभवांतर सेम हो गया, सॉरी विभव सेम हो गया, विभवांतर 0, इसमें से कोई धारा ही नहीं जाएगी, यानी कि धारा ऐसे आई और ऐसे जा रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। खैर x का मान आ गया मेरे पास 10 वोल्ट। x का मान कितना आया जल्दी बोलो सर? x का मान आ गया 10 वोल्ट, 10 माइनस 0। तुझे i चाहिए ना, तुझे i चाहिए ना, i कैसे निकालेगा? 10 माइनस 0 बटे r का मान दो, 10 बटे 2 यानी कि गुरुजी 5 एम्पियर, यानी कि सॉरी 10 एम्पियर नहीं, 5 एम्पियर की धारा ऐसे बह रही है। आंसर आएगा 5 एम्पियर। बेटा ये सवाल हमने किया केसीएल से, केसीएल इस बिंदु के लिए हमने केसीएल लगाया है, इस बिंदु सी पर। और केसीएल क्या कहता है? समेशन ऑफ आई बराबर 0, किसी भी संधि पर सभी समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सर एक ब्रेक दे दो 15 मिनट का, अभी नहीं मिलेगा ब्रेक, ब्रेक मिलेगा करीब करीब 2.5 घंटे के बाद, 12:30 बजे ब्रेक मिलेगा, 12:30 बजे अच्छा खासा ब्रेक देंगे 15-20 मिनट का। अभी नहीं जाओगे? अभी तो नहीं जाने जाऊंगा, पढ़ते रहिए अच्छा लगेगा। सवाल कितने बच्चों को समझ में आया, मजा आया क्या? देखो फालतू की बातें मत करो मेरे से, सिर्फ सवाल करवाओ। सवाल समझ में आया? अरे बोल दो, अरे बोल दो।
चलिए एक और सवाल करते हैं आपके सामने। अच्छा पहले एक सवाल और दे दूं, जेई मेन 2000, जेई मेन एग्जाम्पल कर, मर्जी से दे देता हूं, मर्जी से एक सवाल और दे देता हूं बेटा जी एग्जाम्पल। एक और सवाल है जेई मेन 2021 का सवाल है, जेई मेन्स 2021 का सवाल है। बस मुझे एक मिनट दे दो, मैं सवाल ढूंढ लूं, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यकीन मानना। कहाँ है भैया सवाल? एक मिनट बेटा, एक मिनट, एच सी वर्मा का भी सवाल है, वो एच सी वर्मा में भी आया है सवाल, वो वर्मा जी खुल जाइए। सवाल दे रहा हूँ बेटा, है ना, एग्जैक्ट सवाल था वो। ये रहा, ठीक है, सवाल क्या है? दो वोल्ट, दो वोल्ट, ठीक है, ठीक है बेटा जी। और ये वन वन वन, ये 1 ओम का प्रतिरोध, 1 ओम का प्रतिरोध और 1 ओम का प्रतिरोध। हमसे पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध में, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। ये बेटा श्वेता अग्रवाल, बात मत कर बेटा श्वेता। हाँ विशाल कुमार, क्या कमेंट का रिप्लाई दूँ? आप तो वही क्वेश्चन लगवा रहे हो, न्यू क्वेश्चन लाओ, कौन सा क्वेश्चन लगवा रहे हो, नया क्वेश्चन है बेटा जी, सुनिए। छिया छी छी या छुन छुन छुन, क्या बोल रहा है पता नहीं, सुनिए। अब करोगे कैसे बेटा जी इस तरह के सवालों में? क्या होता है, कहीं पर भी एक 0 वोल्ट मान लो, मैंने मान लीजिए यहाँ 0 वोल्ट माना, यहाँ 0 माना तो यहाँ +2 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ 0, ये +2 है तो ये +2 वोल्ट हो जाएगा, ये +2 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल गिर गया, माइनस है ना, गिर गया। ये 0 है तो यहाँ पर और गिर जाएगा, -2 वोल्ट है। ये 0 है तो यहाँ पर भी गिर जाएगा, -2 वोल्ट। अबे देखो ना, 0 है ना, यहाँ जाओगे तो -2 का ड्रॉप होगा, ये -2 है, और जाओगे तो 2 का और गिर जाएगा, तो -2 में से और गिरा दो तो -4 वोल्ट, और गिरा दो -4 वोल्ट। यार एक चीज समझ में आई मेरे को, क्या गुरुजी, -4 -4 विभवांतर 0, इसमें से कोई धारा नहीं जाएगी, -2 -2 विभवांतर 0, इसमें से कोई धारा नहीं जाएगी, 0 और 0 विभवांतर 0, इसमें से कोई धारा नहीं जाएगी, किसी भी प्रतिरोध में से कोई धारा नहीं जाएगी। उत्तर आएगा 0, उत्तर आएगा 0।
चलो ठीक है, आया समझ में। चलिए एक और सवाल करवा दिया, अब ये वाला सवाल करते हैं। आइए आइए मेरे लाडलों, कर लो, थोड़ा बहुत सीख जाओगे, थोड़ा बहुत सीख जाओगे, कर लो, बता रहा हूं। सवाल करेंगे, सवाल दे रखा है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की दो बैटरी दे रखी है, 20 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध है, R1 R2 में धारा का मान पूछा है, बना दूं क्या? इधर माइनस प्लस दे रखा है। बीस ओम, 20 ओम, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। चलिए बात समझो, बात समझो मेरे लाड़लों, बात समझो। ए ए बी सी डी छोड़ो ना, चलो चालू हो जाओ, सवाल करिए, चालू हो जाओ, चालू हो जाओ। ओ भैया, अरे भैया जी, अरे ब्रेक देंगे तो मैं सबको पिज्जा खिलाऊंगा, सबको पिज्जा खिलाऊंगा। पहले सवाल करो, जो सवाल करेगा और जो रुकेगा उसको पिज्जा खिलाऊंगा। हैं गुरु जी, क्यों गोली दे रहे हो, पिज्जा कैसे खिलाओगे? तो बस जैसे तुम मुझे गोली देते थे स्टार्टिंग में, कि सर कसम से कह रहे हैं हम हिलेंगे नहीं यहां से, सर पूरा लेक्चर देख के जाएंगे। जैसे तुमने मुझे गोली दी, मैंने भी तुझे गोली दे दी। पिज्जा खिलाऊंगा बेटा, पिज्जा खिलाऊंगा। चल सुनो सुनो, हाँ सर आप कहाँ से हो? हाँ बच्चे ने आंसर दिया, सुनिए 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 भैया, देख 0 वोल्ट मानो, 0 मानो, चालू हो जाओ, ये 0 है। यहाँ जाओगे तो बेटा जी पोटेंशियल ग्रेन ड्रॉप हुआ है, तो ये -10 वोल्ट आएगा। एक्चुअली बैटरी क्या देती है, बैटरी क्या देती है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर देती है। 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट का विभवांतर आना चाहिए, ये 0 है तो ये -10 है, क्योंकि ये माइनस वाला टर्मिनल है तो ये लोअर टर्मिनल है, तो लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसको +10 पे लिख देते हैं, +10 पे नहीं लिखना, क्योंकि ये माइनस वाला है, लोअर पोटेंशियल है, लोअर पे रहना चाहिए। ये 0 है तो यहां पर भी ये -10। अब सुन, ये -10 है तो ये -10 वोल्ट, और ये -10 वोल्ट है तो ये -10 वोल्ट, और ये -10 है तो ये -10 वोल्ट। ओ हो, गुरु जी गुरु जी, ये क्या है, ये R2 है ना, R2 है ना, और गुरु जी ये R1 है, R2 में से तो कोई धारा नहीं जाएगी, कारण ये भी -10, ये भी -10, इसका मतलब इसमें से तो कोई धारा नहीं जाएगी, संपूर्ण धारा इसमें से जाएगी। कितने वोल्टेज का विभवांतर है, 10 का, तो I बराबर V/R V, 10, R 20, 1/2 एम्पियर, तो धारा केवल 1/2 एम्पियर जाएगी, यानी कि इसमें से तो जाएगी, R1 वाले प्रतिरोध में से तो जाएगी 1/2, यानी कि 0.5, और R2 वाले में से जाएगी 0। ऑप्शन चल लो, ऑप्शन चल लो, ये तेरे जेई मेंस के सवाल हैं सारे, कुछ भी नहीं है इनमें। सर आप हमारे सामने खाना है, तुम्हारे सामने क्यों खाऊंगा मैं, पागल हूँ, मेरे पेट में दर्द करेगा फिर, तुम्हें फिर मेरे पेट में दर्द करेगा, क्योंकि तुम लोग तो एकदम वैसे वो नीतले बोलते ना, नीतला समझते हो क्या, लाइक ऐसे ऐसे, मतलब तुम लोग ऐसे मुझे घूरोगे। अच्छा पिज्जा खा रहा है, रुक अभी तेरा पिज्जा पचाता हूँ मैं, नहीं छुपा के खाऊंगा तुमसे। सुनो चलिए, यहाँ आके हमने बेटा जी करंट इलेक्ट्रिसिटी की खत्म कर ली है, अब हम चालू करेंगे मैग्नेटिज्म, विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव के सवाल चालू हो चुके हैं। विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव पे मेरे अच्छे खासे सवाल हैं, एक एक सवाल को एक एक बच्चे से करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके 5-7 सवाल करवाने हैं मुझे। चले तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। हाँ सर आपके पिज्जा खिलाने के दम ही नहीं है,
पिज्जा खिलाने का दम नहीं है मेरे में बेटा, दम की बात छोड़, मेरे दम बहुत है मेरे में, ठीक है? पिज्जा में तोल दूंगा मैं तुझे, एक तरफ तुझे बिठा दूंगा, एक तरफ पिज्जा बिठा दूंगा ना, तो भी तू थक जाएगा, तेरा वजन से ज्यादा तो पिज्जा का वजन करवा दूंगा मैं। कैसी बातें कर रहा है तू मेरे को, क्या समझ रखा है तुमने मेरे को? हाँ, मैग्नेटिक के कॉन्सेप्ट बता दीजिए, बता दूंगा बेटा, विशेष बता दूंगा। हाँ, पहले तो ये बताओ तुम लोग कम क्यों हो गए हो? पहले तो ये बताओ तुम लोग कम क्यों हो गए हो? अच्छा जी, कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि सर, कितने बच्चों को ऐसे लगता है कि सर, अरे 10 मिनट का ब्रेक अभी नहीं दूंगा, बोल दिया ना 2.5 घंटे के बाद दूंगा, परेशान मत करो मुझे, फिक्स है 12:30 बजे, 1:45 बजे ब्रेक ले लेना मुझसे, अभी बैठो, जब मैं नहीं थका तो तुम क्यों थक गए? हाँ सुनिए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि सर हम IIT JEE में इस बार का जो पेपर है, 15 दिन बाद जो हमारा पेपर होना है, 15 दिन नहीं तो 13 दिन बाद, 13-14 दिन बाद सर हम एक अच्छे खासे नंबर ले आएंगे, अच्छे खासे नंबर ले आएंगे, ये बता दो। हाँ सर जी को हल्के में ले रहे हो क्या? बच सौरभ निषाद बोल रहा है सर मैं अपनी GF से मिलने चला गया था 1 साल बाद, सॉरी सर लेट हो गया। ओ हो, सोच बेटा तेरे को तेरी GF 1 साल बाद मिलने आई, सोचने वाली बात है ना, तो 1 साल रह कैसे लिया है, और ये उम्र है तेरी GF बनाने की है, बोल तो तू ऐसे रहा, GF पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। हाँ चलो, ये गर्लफ्रेंड बनाएंगे ये है, शक्ल दिखा करो पहले, गर्लफ्रेंड बनाने के पहले, जब भी तुम्हें ऐसा ख्याल आए कि मुझे अब गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, तो एक बार किसी अच्छे व्यक्ति से, समझदार व्यक्ति से सलाह ले लेना, सलाह ये पूछना कि क्या मेरी शक्ल गर्लफ्रेंड बनाने लायक है। एक समझदार व्यक्ति मेरे जैसा अगर मुझसे पूछने आओगे तो मैं बोलूंगा पहले जाके अपनी शक्ल देखो, सुबह उठा करो, रोज शक्ल दिखा करो, और फिर खुद ही मना कर दिया करो, नहीं इससे तो नहीं पटेगी, इस शक्ल से तो नहीं पटेगी, समझ में? समझ में, गर्लफ्रेंड बनाएंगे। हाँ चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनिए, अच्छा बच्चे बोल रहे हैं कि बच्चे मनी मन सोच रहे हैं सर आपकी कौन सी गर्लफ्रेंड होगी, आपकी भी तो शक्ल अच्छी नहीं है, तो मैंने कब बोला मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है? हाँ तुम्हारे जैसा ही हूं मैं भी, तुम्हारे जैसा ही हूं मैं भी, डोंट वरी। वैसे भी बेटा अब तो तुम्हारे मास्टर की शादी हो गई है, अब तो कोई फायदा भी नहीं है ना? चलो सुनो भैया, अब हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाला चैप्टर कर रहे हैं, सवाल थोड़े से फॉर्मूलों पर बात करूंगा पहले, मैं फॉर्मूलों पर बात करूंगा पहले, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। बेटा जी, कभी कभी हमसे एक ऐसा ऐसा एक एक सीधा लंबा तार दे देंगे, एक सीधा लंबा तार दे देंगे, सुनिए, एक सीधा लंबा तार दे देंगे, सुन लो पढ़ लो। अरे बेटा जी, 15 मिनट का ब्रेक, ब्रेक चाहिए क्या तुम लोगों को? कितने बच्चों को ब्रेक चाहिए? चलो बताओ कितने बच्चों को ब्रेक चाहिए, मैं दे देता हूं ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक ले लो फिर, बार बार तुम लोग ब्रेक 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 चिल्ला रहे हो, तो ब्रेक चाहिए क्या? अरे चाहिए क्या ब्रेक? नहीं चाहिए। सुनिए बहुत बढ़िया, सुनिए, एक एक चालक तार है जिसमें से एक सीधा
धारावाही चालक तार है जिसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है और इसके किसी बिंदु P पर, इसके किसी बिंदु P पर यहां से A दूरी पर, यहां से A दूरी पर यह बिंदु P जहां पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और ये कोण है phi 1, ये कोण है phi 2। तो बेटा जी जो सूत्र होता है ना वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन phi 1 प्लस साइन phi 2, साइन phi 1 प्लस साइन phi 2। सुन लो, साइन phi 1 प्लस साइन phi 2, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। सर आप कौन से सेमेस्टर का पढ़ा रहे हैं, पागल है क्या, सेमेस्टर का पढ़ा रहा हूँ मैं तो 12वीं पढ़ा रहा हूँ, जेई की तैयारी करने वाले बच्चों। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन phi 1 प्लस साइन phi 2। अब सुन, अगर बेटा जी ये अनंत लंबाई का होंगे, सवाल में कभी कभी ये बोल देते हैं वो कि अनंत लंबाई का तार है, या तो अनंत लंबाई बोल दें या शब्द यूज करते हैं वो बहुत बहुत लंबा सीधा तार, बहुत लंबा सीधा तार। इसका मतलब ही है बेटा जी phi 1 का मान बराबर है phi 2 के और 90 डिग्री लेना है। जब इस तार को मैं बहुत लंबा कर दूं, इस तार को बहुत लंबा कर दूं, तो ये phi 1 की जो वैल्यू है टेंड्स टू 90 डिग्री होती है। ऐसा मानते हैं कि भैया अनंत लंबाई का होगा तो ये 90 डिग्री पर जाकर हो जाएगा phi 1, और ये अगर अनंत नीचे से भी अनंत होगा तो ये phi 2 का मान। सोच के देख, अगर ये थोड़ा और बड़ा होता तो मैं ये रखता तो phi 2 बढ़ा के नहीं बढ़ा, ये थोड़ा और बड़ा होता तो मैं ऐसे रखता तो phi 1 बढ़ता जा रहा है। तो सोच बहुत अनंत हो जाएगा तो धीरे 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 ये ऐसा हो जाएगा तो 90 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है ये, और अनंत पर हम मान के चलते हैं कि ये 90 ही हो गया है, अनंत पर हम मान के चलते हैं कि ये 90 डिग्री हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो बेटा जो उस अवस्था में जो तो चुंबकीय क्षेत्र निकालता वो निकालता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन phi 1 मतलब साइन 90 प्लस साइन phi 2, साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस साइन 90 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2। तो बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए 2 कट जाएगा, तो बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। हाँ बच्चे कम हो गए यार, मजा नहीं आ रहा यार मुझे, बच्चे सच में कम हो गए यार, ईमानदारी से कह रहा हूं, तुम जो भी बोलो पर बच्चे कम हो गए यार। अब बेटा जी ये तो हुआ एक सीधे धारावाही चालक कार तार के कारण, सीधे सीधे धारा, सीधे थोड़े फंडे और सिखाऊंगा फिर सवाल करवाऊंगा, सीधे धारावाही चालक, सीधे धारावाही चालक तार के कारण, सीधे धारावाही चालक तार के कारण। हाँ बेटा, सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली हमने। बोलो बात समझ में आई? सर जी लंच है या टिफिन कीजिए, टिफिन कीजिए क्या बोल रहा है ना? हाँ बोलो, ठीक है, हाँ आवाज नहीं आ रही, आवाज आ तो रही है। अब बेटा जी ये तो हो गया सीधे धारावाही चालक तार, कभी कभी हमें लूप दे देते हैं, कभी कभी हमें लूप दे देते हैं और ऐसा बोलते हैं कि भैया इसमें से धारा आई जा रही है, इसमें धारा आई जा रही है, तो इसके ये त्रिज्या है कैपिटल आर, ये कैपिटल आर त्रिज्या है और इसके केंद्र पर हमसे चुंबकीय क्षेत्र पूछते हैं कि एक वृत्ताकार लूप है, एक वृत्ताकार लूप है उसके केंद्र पर अगर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए
एक वृत्ताकार लूप है, उसके केंद्र पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, सर ब्रेक दे दो। ए यार ये क्या, 15 मिनट बोल तो दिया, 12:30 बजे ब्रेक ले लेना, बार 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 बोलने से फायदा क्या होगा? सुनिए, बी केंद्र, ध्यान से सुनना। तो बेटा जी इसका सूत्र होता है μ0 I/2R। सूत्र है, सूत्रों की कहानी है, रटने पड़ेंगे। अब ये कैसे आता है, इसके कारण से, ये तो हो गया पूरे वृत्ताकार लूप के कारण से, धारावाही वृत्ताकार लूप ऐसे लिखो, समझ में आया? लेकिन अगर बेटा जी मुझे कोई वृत्त का एक टुकड़ा हो जाए, यानी कि वृत्तीय चाप दे दें, अगर मुझे कोई वृत्तीय चाप दे दे, जैसे जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ये केंद्र है इस वृत्त का, और ये कोण बन रहा है अल्फा डिग्री का, और त्रिज्या मैंने बोल दी ये कैपिटल आर है, और ये वृत्तीय चाप है जिसमें आई धारा जा रही है। तो इसके केंद्र पर, यानी कि बीओ, बीओ का मतलब बिंदु O पर चुंबक के क्षेत्र की जो तीव्रता लिखनी होगी, वो बेटा जी मैं लिखूंगा μ0/4πIα/r। एक्चुअली में ये कहानी है, इसको दिमाग में रखिए, सारी कहानी आप बना ले जाओगे, μ0/4πIα/r। अब पूरे ये वृत्ताकार चाप के कारण है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो बेटा परिमाण भी होगा, दिशा। अब तक जो मैंने सूत्र बताए वो सारे परिमाण के बताए, दिशा तो मैंने बताई नहीं। दिशा निकालना बताऊंगा अभी। बच्चे कम क्यों होते जा रहे हैं, मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा। क्या तो तुम्हें बोर लग रहे हो? सुनो, बी ओ इज इक्वल टू μ0/4πIα/r। अल्फा का मान क्या रखेगा बेटा जी? अगर मैं पूरे वृत्ताकार के लिए निकालू तो अल्फा है क्या 2π। अल्फा का मान 2π रख के देख तो μ0I/2π/4πr। 2π से 4π जाएगा 2 बार, तो बी ओ बराबर μ0I/2R। मतलब बेसिकली अगर मुझे सर ये सूत्र याद है तो मैं क्या सबके लिए निकाल लूँ? फिर चाहे कैसा भी वृत्तीय चाप दे दे, आधा दे दे, एक चौथाई दे दे, एक तिहाई दे दे, एक पंचाई दे दे, एक छठाई दे दे, एक सताई दे दे, एक अठाई दे दे, तेरी मर्जी आए जो दे दे, क्या मैं सारा निकाल सकता हूँ? अरे बोल दे बेटा, क्लियर है। अगर मैंने बोला कि मान लीजिए कि तेरे पास एक ऐसा वृत्तीय चाप है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, π/2। अच्छा, यहां पर जो अल्फा रखोगे ना, याद रखना अल्फा हमेशा रेडियन में, डिग्री में मत रख देना दोस्तों, अल्फा रेडियन में रखोगे। और यह है बिंदु O, और यहां पर मान लीजिए धारा I जा रही है, तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी BO? तो तुम कैसे बोलोगे, गुरुजी μ0/4π, अल्फा का मान π/2 और त्रिज्या है r, मान लेते हैं त्रिज्या है r, पाई से गुरु जी पाई कट जाएगा, तो बीओ बराबर कितना आ जाएगा, μ0I/8R। सर आपकी वॉच से लाइट निकल रही है क्या? हाँ, वो कभी कभी लाइट जल जाती है। अबे बोलो यार, बच्चे तो बहुत कम हो गए अब तो मेरे को मतलब मजा ही नहीं आ रहा, सच्ची में खत्म हो गए बच्चे अब। बस इतना ही तुम में दम था, सही बताऊं तो इतनी ही तुम्हारी, बस बस। अब सुनो,
ये हो गया कहानी, हो गई। अब मैं बात करता हूँ दिशाओं की, थोड़ा सा दिशाओं पे चर्चा करते हैं, दिशाओं पे। आइए, अगर बेटा जी कभी सीधा धारावाही चालक तार जा रहा हो, कभी तेरे पास सीधा तार दे दें, तो करना क्या है, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को पकड़िए और धारा की दिशा में रखिए। पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या बोल रहा हूँ फिर से सुन ले, पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर कर्लिंग फिंगर्स आर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अपने अंगूठे को धारा की दिशा में रखिए और जिस दिशा में आपकी उंगलियां घूमती है वो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे ऐसे संकेंद्रीय वृत्त बनेंगे। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब जिनका वृत्त, जिनका केंद्र एक जैसा होता है या जिनका केंद्र एक होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ संकेंद्रीय वृत्त। और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो ये वाली है। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? इस तरीके से ये वृत्ताकार लूप बनाती है। चुंबकीय बल रेखाएं वृत्ताकार लूप बनाती हैं। इसी को दिखाने के लिए हम क्रॉस और डॉट का प्रयोग करते हैं। क्रॉस का मतलब क्या है और डॉट का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब यह है कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो वो बोल सकता हूं आपसे दूर। और डॉट का मतलब है कागज तल के लंबवत बाहर की ओर। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो बोल सकता हूं आपकी ओर। इन शॉर्ट मैं बोलूं तो मैं बोल सकता हूं डॉट। इसी डॉट और क्रॉस को हम दिखाते कैसे, अब सुनना बेटा जी। ये जो चालक तार है ना, ये चालक तार है, धारा ऐसे जा रही है। तूने क्या किया, अंगूठे को रखा, ऐसे किया। इधर चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रही है और अंदर जाके फिर घूम फिर के वापस आ रही है। तो बेटा जी इस साइड में क्या बनेगा, इस साइड में बनेगा क्रॉस और इस साइड में बनेगा डॉट। कितने बच्चों को चुंबकीय क्षेत्र देखना आया। बोलो, क्लियर? सुनिए बेटा जी, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए तू प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ट्रेन आ रही है। ट्रेन का तुझे क्या देखा, इंजन। इंजन के ऊपर क्या दिखी, डॉट। इंजन के ऊपर क्या दिखी, गोल लाइट, और वो गोल लाइट तेरी तरफ आ रही है। तो हर वो चीज जो तेरी तरफ आए उसको किससे दिखाएगा, डॉट से। अब ये ट्रेन क्या हुई, चली गई, निकल गई तो लास्ट वाले डिब्बे पे क्या रहता है, पीछे देखा है लास्ट वाले डिब्बे पे क्रॉस। अब ये ट्रेन तो चली गई तो तुझे क्या दिख रहा है, तुझे ये क्रॉस दूर जाता हुआ दिख रहा है। ट्रेन दूर जाती हुई दिख रही है तो क्या दिख रहा है पीछे से, क्रॉस। इसका मतलब हर वो चीज जो मेरी ओर आ रही है वो डॉट है, हर वो चीज जो मुझसे दूर जा रही है वो क्रॉस है। आपसे दूर है क्रॉस है, आपकी ओर है डॉट है। क्रॉस और डॉट का फंडा समझ में आया हो तो आगे चलें। बोल, ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। तोलाराम, बोलो। अरे बोल दो, है ना। कितना क्लास, कितने बजे से चल रही है बेटा जी? ये क्लास तो 10 बजे से चल रही है। कितने बजे से? 10 बजे से। सुनिए, अच्छा बेटा जी ये तो हो गया। अगर मेरे पास वृत्तीय लूप होंगे तो मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे पास ऐसी धारा है, आई धारा जा रही है,
तो कुछ नहीं करना, धारा की दिशा में अपने उंगलियों को घुमाना है। अंगूठे की जो दिशा होगी, अंगूठा किधर आया घुमाओ ना, घुमाओ ना, घुमाओ, अंगूठा किधर आया, बाहर आया, अंगूठा बाहर आया तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र डॉट होगा। अबे तुम्हारी ओर आया ना, तुम्हारी ओर आने को क्रॉस कहते हैं, सॉरी डॉट कहते हैं, तुम्हारी ओर आने को क्रॉस कह, तुम्हारी ओर आने को डॉट कहते हैं। अच्छा, अगर धारा ऐसे जा रही होती तो, धारा आई ऐसे जा रही होती तो अंगूठा अंदर आया, अंगूठा अंदर आया, तुमसे दूर गया, तुमसे दूर जाने को हम क्रॉस कहते हैं। ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। ये सब समझने के बाद, इतना समझ में आ गया ना, तेरा एक सवाल पक्का है जेई में, इतने फंडे भी समझ में आ गए ना तो तेरा एक सवाल पक्का है जेई में। अब देख सवाल समझते हैं। अब सवाल हमसे क्या पूछा है, हमको एक फिगर दे रखा है और वो फिगर क्या दे रखा है वो मैं बना के दिखाता हूं। दो वृत्ताकार चाप है, एक चाप ये रही और दूसरी चाप ये रही, तथा त्रिज्यक रेखा, एक त्रिज्यक रेखा ये रही, एक त्रिज्यक रेखा ये रही, से बना एक धारा पाश, पाश मतलब होता है लूप, दिस इज कंप्लीट वन लूप, दिस इज कंप्लीट लूप, इसमें 10 एम्पियर की धारा बह रही। क्या बोला है सवाल में, इसमें 10 एम्पियर की धारा बह रही है बिंदु O पर, ये रहा बिंदु O, यहां पर हमें चुंबक के क्षेत्र का सन्निकट मान पूछा है, मतलब अप्रोक्स वैल्यू पूछी है। क्या पूछी है, अप्रोक्स वैल्यू, आइए सॉल्व करेंगे, अप्रोक्स वैल्यू पूछी है, आइए सॉल्व करेंगे बेटा जी, है ना। यहां मेरे हिसाब से माइनस कर लीजिए, ऑप्शन में गायब है। खैर आइए सवाल करते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा जी, 10 एम्पियर की धारा जा रही है, तो 10 एम्पियर की धारा इधर से ऐसी भी तो जाएगी, फिर 10 एम्पियर की धारा ऐसे जाएगी और ठीक है, और ये जो कोण है ना बेटा जी 45 डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री को मैं पाई बाई 4 लिख सकता हूँ रेडियन में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये है केंद्र O। अब बात कर लेते हैं गुरुजी त्रिज्याओं की, त्रिज्याएं बहुत जरूरी है बेटा, ये हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, हाँ 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये हमें पता नहीं है, अभी पता चल जाएगा, क्योंकि बेटा जी ये हमें 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ये हमें 2 सेंटीमीटर, तो 3 और 2 5 सेंटीमीटर की हमें त्रिज्या दे रखी है। सवाल समझ में आया, आप डायग्राम बहुत अच्छा बनाते हो, चलिए बहुत बढ़िया। सुनिए बेटा जी, मैंने ऐसा करूं, मैंने नंबरिंग कर दी, इसको मैं पहले नंबर का तार बोल दूं, इसको मैं दूसरे नंबर का तार बोल दूं, इसको तीसरे नंबर का तार बोल दूं, इसके चौथे नंबर का, तो दूसरा और चौथे नंबर का जो तार है ना, दूसरे नंबर के तार के कारण से B2 चुंबकीय क्षेत्र है और चौथे नंबर के तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र B4 है, इनके कारण से तो जीरो आएगा, कारण इनके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब देख ये तार है दूसरे नंबर का तार है और तुझे यहीं पर चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो तार है इसी बिंदु से होकर गुजरेगा, थीटा का मान जीरो आता है इन सब केसेस में, इस वजह से चुंबकीय क्षेत्र जीरो होता है। तो तुम तो ऐसे याद रखो कि वो तार अगर उसी बिंदु से गुजर रहा है जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, अरे यार एक तार होता,
यहां चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो बता दूंगा, यहां पूछेगा तो बता दूंगा, लेकिन अगर तू यहां पूछेगा ना तो यहां जीरो होगी। कारण 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 इसी से होकर गुजर रहा है ना, इसी से होकर गुजर रहा है ना, नहीं आई समझ में? तो एक बात तो पक्की है गुरुजी की, दूसरे नंबर के तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र जीरो है और चौथे नंबर के तार के कारण से भी चुंबकीय क्षेत्र जीरो है। हाँ, सौरभ सर का चेला भी आ चुका है। सुनिए, अब बात करते हैं बेटा जी पहले वाले तार के कारण से B1। अब B1 के कारण से निकालेगा तो ये तो वृत्तीय चाप है, और वृत्तीय चाप के कारण से कैसे निकालते हैं याद है? म्यू नॉट अपॉन 4πi, अल्फा का मान π/4। अच्छा, त्रिज्या कितनी है इसकी? 5 सेंटीमीटर, 5 × 10^-2 मीटर में बदल दिया ना। अल्फा कितना है? π/4, पाई से पाई चला जाएगा। B1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? B1 का वैल्यू μ0 I/2, तो ये आ जाएगा 4 × 5 × 4 × 10^-2। और बेटा जी धारा ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है तो B1 के कारण से क्रॉस आएगा, B1 आ गया। हमसे B2 पूछा है, अब B2 के कारण से कैसे निकालेगा? ये रही, अब सर B2 नहीं, B3 तीसरे नंबर का तार है, B2 तो जीरो है ना, B3 डॉट आएगा, कितना आएगा? μ0 upon 4πi/r कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 10^-2। अल्फा कितना है? π/4, पाई से पाई कट जाएगा, तो B3 कितना आएगा? μ0 I/4 × 3 × 4 × 10^-2, और यह आ जाएगा डॉट। अब बेटा जी सबके कारण से जोड़ेगा तो B2, B4 और B2 तो जीरो है, B1 क्रॉस है, B2, B3 डॉट है, कौन बड़ा है? B1 और B3 में से कौन बड़ा है बता सकता है? B1 और B3 में से कौन बड़ा है? सर नीचे तो 5 से भाग दे रहे हो, इधर 3 से भाग दे रहे हो, इसका मतलब B3 का मान बड़ा है B1 से। तो चलने किसकी वाली है? B3 की चलने वाली है, तो जो नेट दिशा रहेगी वो किसकी रह जाएगी? डॉट की रह जाएगी। जो नेट दिशा रहेगी वो डॉट की रहेगी, हालांकि उन्होंने दिशा नहीं बोला है। तो B3 - B1 कर दो, B3 - B1 करोगे तो μ0 I/4 × 3 × 4 × 10^-2 माइनस μ0 I/4 × 5 × 4 × 10^-2। इसको काट पीट के इसको क्या करेंगे? काट पीट के बराबर करेंगे, तो जो बी नेट आएगा, यू नॉट कॉमन ले ले, आई कॉमन ले ले, 4 × 4 × 10^-2 ले ले, 1/3 - 1/5, 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 5 - 3 = 2/15, दो बटे पंद्रह, तो बी नेट जो करेगा वो कितना आएगा बताओ? बी नेट आएगा μ0 I का मान 10 है अपॉन 4। अच्छा, ऊपर पाई से गुना कर दे, नीचे भी पाई से गुना कर दे, ताकि μ0 upon 4π का मान पता है, 4 × 10^-2 है और नीचे ये 2/15 है। बेटा इसकी मान तो 10^-7, 10^-7 ये हो जाएगा 10^-6, ऊपर जाएगा 10^-4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 15 × 2 = 30 आ गया आंसर ही। देखो मैं बी नेट लिख देता हूँ, बी नेट जो आएगा वो आ जाएगा 10^-7 × 10 × π का मान 3.14/15 × 30 × 10^-2, 10^-6 ऊपर जाएगा 10^-4 और ये हो जाएगा और 10^-4 10^-5, तो बी नेट बराबर कितना आएगा बताऊँ? 3.14/3 × 10^-5, लगभग 3 और 3.14 है, लगभग 1 × 10^-5 चुंबकीय क्षेत्र है। तो टेस्ला आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्योर प्रैक्टिस है।
कितने बच्चों को लगता है गुरुजी मजा आ गया, कितने बच्चों को लगता है गुरुजी मजा आ गया। अब मैं आपको यहां से दे देता हूं ब्रेक, लेकिन आप लोग मुझसे प्रॉमिस करिए कि सर मैं आपको दे रहा हूं ब्रेक। अभी हो रहा है 11:12:20 हो रहे हैं, 12:20 हो रहे हैं। मुझे सभी बच्चे 12:40 पे क्लास में आ जाने चाहिए, 12:40 पे वापस आ जाना, 12:40 पे क्लास बंद मत करके जाओ, 12:40 पे एग्जैक्ट आ जाना। ब्रेक दे रहा हूँ 12:40 पे, और मुझसे प्रॉमिस करो जितने बच्चे अभी हैं उतने ही बच्चे बने रहेंगे, गायब मत हो जाना। जितने बच्चे अभी हैं उतने ही बच्चे बने रहोगे, बोलो क्लियर है। 12:40 मतलब 12:40 डॉट शार्प 12:40 चाहिए मुझे, शार्प 12:40, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, मिलना और खा पी लेना कुछ खा पी लेना, ठीक है।
बच्चा बोल रहा है सर अभी 9 मिनट बाकी है। अरे ठीक है ना बेटा, मैं पढ़ा थोड़ी ना रहा हूँ, अभी तो मैं बैठा हूँ बस आके। आ जाने दो बच्चों को आराम से। हाँ बेटा, हेलो हेलो स्नेहा चंद्रा, जल्दी जल्दी आ जाओ। अब वापस से संख्या मुझे उतनी ही चाहिए। मैं फिर बता देता हूँ, अगर संख्या कम हुई तो पिटोगे बेशुमार। नीट वाला हूँ, क्लास देख सकता हूँ। देख सकते हो बेटा रौनक, बिल्कुल देख सकते हो। तो आ जाओ यार बेटा जी, अब 4 मिनट तो रह गए, आ जाइए। द स्ट्रीम करंट बिटरेट इतना KBPS इज लोअर देन द रिकमेंडेड बिटरेट। फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ।
आ गए श्रेया पांडे। बहुत बढ़िया बेटा, सौरभ सर का चेला आ गया। आ गए सर, हेलो हेलो बच्चों, आ गए क्या? बहुत बढ़िया, आ जाओ यार फटाफट से। यस सर यही है। चलिए बढ़िया। तो खाया है पिया है कुछ? ब्रेक खत्म हो गया। हाँ आ गए सर, राधे राधे, नमस्कार। आ गए आ गए, आई एम कमिंग सर, हर्ष गर्ग। बढ़िया बढ़िया। तो क्या खाया पिया तुमने? खाना वाना खा लिया? नहीं खाया है? वॉशरूम जाके आ गए होंगे, चाय पानी पियाए होंगे, है ना? मैंने भी बेटा जी चाय पी ली और थोड़ा सा नाश्ता सा कर लिया। अब थोड़ी एनर्जी आ गई मुझ में। तो शुरू करेंगे अब कहानी को। बच्चे कम नहीं होने चाहिए, मुझे लगता नहीं है बच्चे आएंगे। बना ही नहीं था सर, कोई बात नहीं, कोशिश की बट असफल रहे खाने पीने में। क्यों बेटा? कोटा राजस्थान से है सर। हाँ बेटा मेरा, मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ, कोटा राजस्थान से। देखो मैं टाइम का पाबंद हूँ, तुम भी टाइम के पाबंद रहने चाहिए हो। और आप लोगों के पास तो सुविधा भी है ना, खाते खाते भी तो लेक्चर देख सकते हो मेरा, खाते खाते भी तो लेक्चर देख सकते हो मेरा। मैं, मेरे पास नहीं है ये सुविधा कि मैं खाते खाते पढ़ा लूँ। अच्छा नहीं लगता ना बेटा, है ना? खैर तो चलिए आ जाइए फटाफट से। वेलकम बैक। 12:40 हो चुके हैं, मैंने बोला था 12:40 पे आ जाना। देख लो मैं टाइम का कितना पाबंद हूं। बच्चे बड़े 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 बच्चे बनने चाहिए। आओ टाइम हो चुका है, टाइम अप, टाइम अप, आ जाओ फटाफट से। टाइम अप हो चुका है। प्रेजेंट सर, सर आपको नींद नहीं आता है सर? बेटा जी क्या करें, आप लोगों के लिए जागना पड़ता है। सर यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद कॉलेज ठीक है कि नहीं? बेटा जी मैंने नाम नहीं सुना, सही बताऊं तो इसका बारे में तो मैं कुछ कह भी नहीं पाऊंगा, आप तो टाइम से पहले ही आ गए हैं। बेटा मैं बिल्कुल टाइम का पक्का रहता हूँ, याद रखना ठीक है? मैं बहुत टाइम का पाबंद हूँ। बाकी के बच्चे भी आ जाएं तो फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे फटाफट से। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। मुझे लगेगा मेरा मेरा ब्रेक देने के बाद यही होता है, बच्चों का नुकसान हो जाता है, कारण बच्चे चले जाएंगे। अब उतने बच्चे नहीं आएंगे वापस, देख लेना, अब उतने बच्चे नहीं आएंगे। हाँ अब उतने बच्चे नहीं आएंगे। सर आपने कानपुर सुना है? मैं वहीं वहीं रहता हूँ। यस बेटा कानपुर तो मैंने सुना है ना? चलिए हाँ, यूट्यूब पर भी लाइव हूँ बेटा, मैं यूट्यूब पर भी लाइव हूँ। तो जो बच्चे यूट्यूब पर आना चाहते हैं यूट्यूब पर भी आ सकते हैं। ऐप पर तो मैं हूँ लाइव, यूट्यूब पर भी आ सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, लाइक कर दीजिए बेटा जी, इससे हमें हिम्मत मिलती है, इससे हमें थोड़ा हौसला मिलता है पढ़ने का पढ़ाने का। चलिए तो अब शुरू करते हैं सवाल के साथ। अब हम बेटा जी, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाला, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। एक वर्गाकार वलय में धारा आई। बेटा जी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बोला कि इस एक एक धारा, एक वृत्ताकार लूप है जिसमें धारा आई जा रही है, यह है केंद्र, ठीक है? इसमें धारा ऐसे जा रही है आई। बेटा जी अगर मुझे इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है एम, तो बेटा जी वो लिखने का जो तरीका है वो है धारा इंटू क्षेत्रफल।
माना इसका क्षेत्रफल है ए, ए क्या है क्षेत्रफल, ए क्या है क्षेत्रफल। तो बेटा जी मैग्नेटिक मोमेंट का जो जो परिणाम वो अदिश रूप लिखा है मैंने, मतलब मेरा केवल परिमाण लिखा है, तो धारा इंटू क्षेत्रफल होता है। क्या होता है बेटा जी, धारा इंटू क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, धारा इंटू क्षेत्रफल। सुनिए तो बेटा जी उन्होंने बोला है कि एक वर्गाकार वलय है, और वर्गाकार वलय का मतलब है वृत्ताकार नहीं वर्गाकार, ठीक है सर, वर्गाकार बना दी मैंने। अब मान लेते हैं कि भैया जी इसकी जो भुजा की लंबाई है वो ए ए ए है, चारों भुजाओं की लंबाई ये वर्ग है ना, और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है ना, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा। इसका चुंबकीय जो आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, उसका परिमाण स्मॉल एम है, स्मॉल एम बराबर धारा इंटू क्षेत्रफल आई ए स्क्वायर। ये है, ये इनिशियल कंडीशन हमें दे रखी है, ये हमें इनिशियल कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है कि सर एक वर्गाकार कुंडली है, एक वर्गाकार लूप है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इन और भुजा की जो लंबाई है वो ए है, तो धारा इंटू क्षेत्रफल, धारा है आई और क्षेत्रफल वर्ग का, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर, तो ये आ गया, और इसका मान हमें स्मॉल एम दे रखा है। बोला है यदि इस वर्गाकार वलय को मोड़कर, यदि इस वर्गाकार वलय को मोड़कर एक वृत्त में परिवर्तित किया जाए। अब इसको मैंने अगर वृत्त में परिवर्तित कर दिया तो वृत्त की त्रिज्या 2πr, लेकिन सॉरी वृत्त की त्रिज्या क्या, वृत्त की परिधि 2πr है, त्रिज्या इसकी मान लेते हैं कैपिटल आर में, हमने कैपिटल आर त्रिज्या के इसको वृत्त में परिवर्तित किया, और धारा जो है बेटा जी अभी भी इसमें वही सेम धारा जा रही है आई, सेम धारा, दिशा भी हमने नहीं बदली धारा की, सेम धारा है। तो बोला है कि अब इसका जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट, जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, जो नया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे बेटा जी, एक बात बताओ, इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 4a, पूरी लंबाई कितनी है 4a, और ये 4a लंबाई किस में बदल गई, परिधि में, परिधि कितनी है 2πr, तो मुझे r का मान आ जाएगा 4a by 2π, तो r बराबर 2a by π, मुझे त्रिज्या मिल गई, मुझे त्रिज्या मिल गई। इसका डाइपोल मोमेंट लिखना आता है मैग्नेटिक m डैश का मान, धारा कितनी है आई, और क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर, आई का मान है, आर का मान है 2a बाई पाई का स्क्वायर, तो एम डैश बराबर आई इंटू पाई इंटू 4a स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, एक से एक कट जाएगा, एम डैश बराबर 4a स्क्वायर आई बाई पाई। अब सुनो, आई इंटू ए स्क्वायर, आई इंटू ए स्क्वायर ये क्या है, पुराना वाला m, तो m डैश का मान कितना आ जाएगा 4m by पाई, 4m by पाई। सवाल बना कि नहीं बना, अरे बोलो यार, सवाल बना, आज 28 नंबर पक्के करके जाएंगे हम, ये क्वेश्चन हो गया, बच्चे कम हो गए देख लो। मैंने कहा ना बच्चों का तो मेरे को नुकसान होना ही था, ये बात मुझे पता थी, ये बात मैं पहले से भी जानता था कि अगर अभी मैंने बच्चों को ब्रेक दिया तो बच्चे मेरे से टूट जाएंगे, और टूट ही गए। चलिए एक और सवाल है, जेई मेन 2019 का सवाल, सिंपल है लेकिन है लॉजिकल, आइए सवाल करते हैं। 5 एम्पियर के एक सीधे तार के 6 सेंटीमीटर लंबे खंड में ए बी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। सिंपल सवाल है लेकिन गणित लगेगी, गणित क्या है, गणित समझो। मैंने बोला कि मेरे पास ये चालक तार है ए और बी, ये एक चालक तार, ये खंड है तार का, टुकड़ा ले लो है ना, ये अनंत लंबाई का नहीं है, ठीक है, और कितनी दे रखी है इसकी लंबाई, 6 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, समझो, ये हम मान लेते हैं भैया ये वो है,
तो ये कितनी हो जाएगी, आधी 3 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, और ये आधी कितनी हो जाएगी, और ये आधी कितनी हो जाएगी, ये आधी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। और यहां से हमें पता नहीं है, यहां पर है बिंदु P जहां पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और उन्होंने मुझे ये दे रखा है, यह है 5 सेंटीमीटर, ये भी है 5 सेंटीमीटर। बेटा जी अगर ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 है, या निकाल सकते हो ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बेटा जी यहां से लंब आ जाएगा, और ये लंब जो आएगा वो आएगा 4 सेंटीमीटर। अरे बेटा अगर तुझे याद हो तो यहां पर ये है ना बिंदु पी, यहां पर जो कोण अंतरित होते हैं वो होते हैं φ1 और φ2, और बेटा जी φ1 और φ2 के मान आने चाहिए। बेटा जी ये 5 है, याद है स्टैंडर्ड ट्राइंगल, याद है ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये कोण 53 डिग्री होता है, ये कोण 37 डिग्री होता है, और ये कोण 90 डिग्री होता है। तो बेटा जी ये 3 है, ये 5 है, तो ये कोण 53 डिग्री है, ये दोनों तो 90 डिग्री है ना, तो ये φ1 का मान 37 डिग्री है, और φ2 का मान भी 37 डिग्री है। यार बात समझ में आई क्या? और ये बिंदु P है, समझ में आया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बेटा जी B बराबर क्या होता है, P0 upon 4 pi I/A sin φ1 plus sin φ2। कितने बच्चों को ये समझ में आ रहा है, पहले बताओ कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? ये सूत्र पता है क्या, अभी सिखाया है? अबे ये सूत्र पता है क्या, ये सूत्र अभी सिखाया है मैंने, ये सूत्र अभी सिखाया है। तो B बराबर μ0 upon 4 pi, I कितनी जा रही है, धारा 5 एम्पियर जा रही है, धारा कितनी जा रही है 5 एम्पियर, सवाल में बोला है I 5, A कितना है, A ये वाली दूरी, इसे कहते हैं A, तो A का मान हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 4 × 10^-2 मीटर। sin φ1 sin 37 plus sin 37, अब sin 37 का मान होता है बेटा जी 3/5, थीटा के सामने वाला लंब, समकोण के सामने वाला कर्ण, साइन होता है लंब बटे कर्ण 3/5, तो 3/5 × 3/5, तो 3/5 plus 3/5 6/5, μ0 upon 4 pi का मान 10^-7 यह आ जाएगा 5, यह है 4 × 10^-2 इंटू यह आ जाएगा 6/5, 5 से 5 कट जाएगा, 10^-2 ऊपर जाएगा, 10^-5 हो जाएगा, +2 ऊपर 10^-5, और ये 3 है और ये 2 है, 2 से काटोगे तो B बराबर आ जाएगा 3/2 × 10^-5 टेस्ला, इसी को लिख सकता हूँ, 3/2 का मतलब है 1.5, तो 1.5 × 10^-5 टेस्ला, 1.5 × 10^-, कितने बच्चों को समझ में आया? सिर्फ फॉर्मूले लगाने, φ1 और φ2 पहचानना था तुझे, केवल φ1 और φ2 पहचानने आने चाहिए। बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ ही नहीं आता। चलिए अब एक और नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको ये फंडा सिखाना बहुत जरूरी है। सवाल आएंगे तो यहीं से आएंगे,
एक तो मैंने वो दो फंडे आपको सिखा दिए कि वृत्ताकार लूप के कारण से और एक धारावाही सीधे चालक तार होगा तो क्या कहानी बनेगी, मैग्नेटिक मोमेंट के सवाल करवा दिए। लेकिन बेटा जी एक और वेराइटी, एक नहीं सर समझ में आ रहा है, एक और वैरायटी के सवाल आपसे पूछते हैं, एक और वैरायटी के सवाल आपसे पूछते हैं। मैं आपको सारे फॉर्मूले बता दूं, आता है सर बहुत गजब से, बढ़िया बढ़िया। चलिए सवाल करिए, सवाल करिए, और बच्चों की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। सवाल करिए बेटा, सवाल करिए। चलिए सवाल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, तो कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा फोकस करना, सुनना ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बेटा जी मैंने बोला कि मेरे पास कहीं पर क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र है, मेरे पास कहीं पर एक समान समरूप चुंबकीय क्षेत्र की कहानियां हैं ये सारी। समरूप का मतलब होता है एक समान, परिमाण भी और दिशा भी। समरूप चुंबकीय क्षेत्र की कहानी हम पढ़ा रहे हैं आपको, समरूप चुंबकीय क्षेत्र की कहानी। मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, क्रॉस 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 क्रॉस। इसका परिमाण हम मान लेते हैं कि भैया जी जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका परिमाण है बी, बी परिमाण का चुंबकीय क्षेत्र है, और दिशा तो सबको पता है, दिशा जो है वो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब है अंदर की तरफ, मतलब आपसे दूर। सुनिए अब एक आवेश है मेरे पास, एक आवेश है मेरे पास Q, और M द्रव्यमान का एक आवेश है, मतलब एक कण है, एक कण है जिस पर आवेश है Q, ऐसा मान लो एक कण है जिस पर आवेश है Q और उसका द्रव्यमान है M। आवाज आ रही है क्या तुम लोगों को? एक कण है, Q आवेश है और स्मॉल m द्रव्यमान है। जब ये लंबवत प्रवेश करता है, मान लीजिए ये v वेग से लंबवत प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? अंदर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? अंदर। चुंबकीय क्षेत्र अंदर है और एक आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है, एक आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है, तो बेटा जी इस पर बल लगना शुरू होता है और ये वृत्ताकार पथ पर घूमना शुरू करेगा। अगर ये बाहर से आया है तो ये कभी वृत्ताकार लूप कंप्लीट करके नहीं जाएगा, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसकी बात मत कर। मैं अभी के लिए ये मान के चल रहा हूं कि मान लीजिए कि ये वृत्ताकार लूप कंप्लीट कर रहा है क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र में अंदर से ही प्रवेश किया है, मान ले। हालांकि बाहर से प्रवेश करेगा तो कभी वृत्ताकार लूप नहीं बनाता, लेकिन मान लेते तेरे समझाने के हिसाब से भैया जी उसने आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप कंप्लीट कर लिया, तो ये जो त्रिज्या है वो है कैपिटल आर। तो हमसे ये त्रिज्या पूछते हैं बेटा जी, हमसे ये त्रिज्या। अब तुझे अगर पता हो तो बेटा जी ये जो बल होता है QVB साइन थीटा होता है। अब एफ सदिश बराबर क्यू इंटू वी सदिश क्रॉस बी सदिश, एफ एम मैग्नेटिक फोर्स, एफ 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 एम इज इक्वल टू, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी सदिश क्रॉस बी सदिश, क्यू वी सदिश क्रॉस बी सदिश। थीटा क्या है? थीटा है वेग एंड चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण। एक बात बता, ये कण मेरा ऐसे प्रवेश कर रहा है तो वी वेग इधर है और चुंबकीय क्षेत्र इधर है, थीटा का मान 90 डिग्री, थीटा का मान अगर 90 डिग्री इधर डालेगा तो बल कितना आएगा? क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन 90, और पूरी दुनिया जानती है साइन 90 वन होता है, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा? क्यू वी बी। और ये जो क्यू वी बी है, ये जो क्यू वी बी है ये किसके बराबर है? इसको घुमाने का काम किया और इसको घुमाने के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए mv² / r।
अबे ये जो ये एक्चुअली जो अभिकेंद्रीय बल का काम कर रहा है यहां पर वो है चुंबकीय बल, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो थोड़े बहुत फंडे तो आपको पता होने ही चाहिए। बिल्कुल ऐसा ट्रीट मत करना, बिल्कुल ऐसे ट्रीट मत करना कि अरे सर हमें तो कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो बेटा जी वी से वी कट जाएगा, क्यू बी बराबर एम वी बाय आर। तो यहां से आर का सूत्र निकल के आएगा एम वी बाय क्यू बी। आज के बाद ये सूत्र जहन में होना चाहिए तेरे कि आर बराबर एम वी बाय क्यू बी। एम क्या है? एम क्या है? जो कण अंदर प्रवेश कर रहा है, कण का द्रव्यमान। जो कण अंदर प्रवेश कर रहा है ना, उस कण का द्रव्यमान एम। वी क्या है? वी कण का वेग। लेकिन एक कहानी है, जब जब वी और बी आपस में लंबवत हो तो ये कहानी लगाना, वरना कुछ मत लगाना। थोड़ी तकलीफ हो रही है क्या? थोड़ी तकलीफ हो रही है क्या? सर आपके पढ़ाई दिल को छू जाता है। सुनिए, ये आ जाएगा वी कण का वेग, आ जाएगा क्यू, आ जाएगा कण का आवेश या कण के ऊपर आवेश, ऐसे लिख लो। और बी क्या है? बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। अब सबसे बड़ी चीज, वो आपको तीन ही कणों के बारे में सबसे ज्यादा बातें करते हैं, मैं आपको बता दूं। और वो आपसे प्रोटॉन के बारे में पूछते हैं, वो आपसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछते हैं, आपसे अल्फा कणों के बारे में पूछते हैं। प्रोटॉन, अल्फा कण। और अगर आपको नहीं पता, अच्छा आवेश हम लिखेंगे, आवेश, आवेश ये टेबल बना के भेज रहा हूं, नहीं पता तो रट लेना। और यह है द्रव्यमान। बेटा जी प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो मैंने मान लिया क्यूपी। क्यूपी मतलब प्रोटॉन। सबको पता है प्रोटॉन के ऊपर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹। तो अभी मैं परिमाण की बात करूं, मान लेते हैं कि भैया जी क्यू है, और क्यू का मान सबको पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। यह प्रोटॉन के ऊपर आवेश है, तो क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश भी इतना ही होगा? बस वो अलग बात है कि चिन्ह में ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है। अल्फा कण के ऊपर आवेश बता सकते हो? क्यू अल्फा अगर मुझे निकालना होगा तो क्यू अल्फा। अब क्यू अल्फा अल्फा के ऊपर आवेश 2e, तो 2q हो जाएगा। अल्फा के ऊपर जो आवेश होता है वो दुगना होता है प्रोटॉन के ऊपर आवेश का। अच्छा मान लेते हैं कि मेरे पास मास ऑफ प्रोटॉन है mp, तो इसका हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मास ऑफ प्रोटॉन पता है, लेकिन बेटा जी मास ऑफ अल्फा जो होता है वो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन, पता होना चाहिए। अरे बेसिकली अल्फा कण है क्या? हीलियम का ही तो नाभिक है ये। हीलियम का बेसिकली हीलियम का नाभिक है। ये बच्चों को पता नहीं होता है, और मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं बताऊं, क्योंकि बच्चे कण तो आ जाते हीलियम का नाभिक 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। हाँ सबको पता है, पता है। चलिए तो आप सुनिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, आर के बारे में मैंने आपको बता दी। अब सुनो, इसमें थोड़ी थोड़ी सी बातें और चर्चा में रह गई हैं। तो आर बराबर मैंने क्या निकाला? एम बी बाई क्यू बी निकाला। अब सुनो, छोटी छोटी बातें और हैं। सूत्र का कन्वर्जन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर एक सवाल तो येरा तेरा,
एक सवाल मतलब 4 नंबर तो ये परोस के दूंगा मैं तुझे, फॉर्मूला बेस कहानी है। 4 नंबर तो मैं तुझे ये परोस के देने वाला हूँ, फिक्स सवाल है इस पे, फिक्स। पूछेंगे तो यही पूछेंगे, वरना नहीं पूछेंगे। मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेज इन मैग्नेटिज्म में, या बोल दीजिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब एक चार्ज, जब एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र में अंदर प्रवेश करता है, तो वह किस प्रकार से अठखेलियां करता है, वह किस प्रकार से करतब दिखाता है, वो कहानी है। अब ये सुन, कहानी क्या है। मैंने बोला, हाँ बेटा जी, संवेग की बात कर लेते हैं। संवेग है ना, संवेग क्या होता है? संवेग, अरे बोलो यार, संवेग होता है बेटा जी एमवी। क्या होता है? एमवी, एमपी नहीं, एमवी। इसी को तो हम पी से लिखते हैं, तो आर बराबर पी बाय क्यूबी। अब एमवी की जगह पी लिख दूं तो पहला फॉर्मूला ये रहा, पहला तो ये रहा, इसको दूसरा नाम दे दूं। अब तीसरा फॉर्मूला सुनना, गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, एम से गुना कर एम से भाग दे। मैंने कोई पाप नहीं किया, अबे मैथमेटिक्स है ना, एम से गुना कर एम से भाग दे दे, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम। गतिज ऊर्जा एम वी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ मैं 2m। एम वी क्या है? एम वी क्या है? पी। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बाय 2m। तो पी बराबर 2m के, पी स्क्वायर बराबर, तो पी बराबर अंडर रूट 2m के। अगर गतिज ऊर्जा के पदों में मुझे त्रिज्या का फॉर्मूला लिखना होगा ना, तो पी, पी का फॉर्मूला है अंडर रूट, तो 2m के बाय क्यूबी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सुन ले। और बेटा जी चौथा, तीसरा हो गया ये, चौथा। अच्छा बेटा जी, गतिज, ये जो के है वो क्या है? के है तेरी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल नेचर की तो बात कर रहा, लगा सकता है ये सूत्र सारे। और वेग का मान हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि जो कण, जिस कण जो वी वेग से प्रवेश कर रहा, वो इतना बड़ा नहीं है कि वो प्रकाश की चाल के बराबर हो जाए। वैसे भी प्रकाश की चाल अचीव करना बहुत बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ईवी है तो ईवी भी रख सकते हैं, तो ये बराबर आ जाता है। ई रख दीजिए या क्यू भी रख दीजिए, क्यू इलेक्ट्रॉन मत रखिए, क्यू रख दीजिए, आवेश इंटू वोल्ट, तो 2m³ बाय क्यूबी। इसको सॉल्व करेगा ना बेटा जी, इसको सॉल्व करेगा तो ऊपर √2 r बराबर, √2 है ही है, m है ही है, v है ही है, √2 q है ना इधर, तो बेटा जी √2 q है ना, तो नीचे रह जाएगा 1√2 q। ऊपर √2 q है, नीचे q है, तो कटेगा और ये b रह जाएगा। इसी को मैं थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में ये लिख सकता हूँ, इसी को मैं अच्छे फॉर्मेट में ये लिख सकता हूँ, 1/b। टू एम बी बाई क्यू। और मैं आपको फिर बता देता हूँ बेटा जी, ये जो v है ना, ये विभवांतर है। अगर बहुत सारे बच्चे इसको v को वेग समझ के बैठे हैं ना, तो ये v जो है वो विभवांतर है। अब अगर तूने ये सारे सूत्र रट लिए, तो ये रहा यकीन मानना, तेरे सारे सवाल सही हो जाएंगे, सारे इस पैटर्न पे। सूत्र नंबर चौथा है ये, 4 सूत्र हैं, चारों सूत्र तेरे को याद होने चाहिए। समझ में आया? अब सवाल को पढ़ते हैं। आइए, हमसे बोला है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और हीलियम का नाभिक है। हीलियम का नाभिक का मतलब है अल्फा कण है, इनकी ऊर्जाएं समान है। ऊर्जा समान का मतलब है हमको इनकी गतिज ऊर्जा दे रखी है। क्या दे रखी है? गतिज ऊर्जा। चुंबक के क्षेत्र तल के लंबवत होने के कारण ये तल वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। उन्होंने बोला है, ये तो सारा भर गया, इधर सॉल्व करो, इधर सॉल्व कर लेता हूं। तो बेटा जी अगर मुझे आर, अच्छा फॉर्मूला लगेगा गतिज ऊर्जा वाला, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? ये वाला, आर बराबर √2 m k / q b। आर बराबर, या स्मॉल आर ले ले, उन्होंने सवाल में स्मॉल आर लिया है ना, तो √2 m k / q b। अब सुन, चुंबकीय क्षेत्र समान है, के गतिज ऊर्जा समान है, टू समान है,
तो आर जो है वो सीधे सीधे समानुपाती है रूट एम के बाय बी भी समान है, तो आवेश आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा बेटा जी, आवेश क्यू। तुलना कर लो किसका मास ज़्यादा है, किस पर आवेश ज़्यादा है, तुलना करिए और आंसर निकालिए, तुलना करिए और आंसर निकालिए। यार एक तो कुछ बच्चे ना इतने देहाती है ना, यहाँ पे आ जाएंगे और बोलेंगे कि सर मैं लेट हो गया, तो एहसान कर रहा है मुझ पे लेट हो गया, तो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं। ऐसा का तो एक ही इलाज है, अभी रुको इसका, इसको मैं थोड़ा सा इसको सूद देता हूँ मैं, है ना। सुनिए भैया, आर जो है वो अंडर रूट एम बाय क्यू चलेगा, अंडर रूट एम बाय क्यू चलेगा। अब सुन किसका प्रोटोन, देख कितना सिंपल सवाल रह गया, अब सारा समझ में, देख टू तो नियत है, के नियत है, उन्होंने सीधा सीधा सवाल में बोला है कि ऊर्जा समान है, ऊर्जा समान है का मतलब है काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी वैसे ही समान है, चुंबकीय क्षेत्र उन्होंने बोला है ना, उन्होंने बोला है ना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि तीनों जिस भी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं वो तीनों की तीनों समान है, तीनों की तीनों चुंबकीय क्षेत्र समान है। तो भैया एम बाय क्यू देखते जाओ किसका ये अनुपात कम ज्यादा आ रहा है, उसकी त्रिज्या उसी हिसाब से निकालते जाओ, तेरा आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। आंसर निकाल के दे रहा हूं बेटा जी, आंसर आ जाएगा आर प्रोटोन और बराबर है आर हीलियम के, हीलियम मतलब अल्फा कण के, और इसका मान आर ई से ज्यादा है, कम है, मतलब इन दोनों का मान समझ में, आर ई का मान कम है, ये आंसर आएगा। 14 का आंसर बता देता हूँ, सी आंसर आएगा। अब करके देख लेना, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, सारा तो बता दिया। अबे अभी भी करके दिखाऊं क्या, कितने बच्चों को लगता है कि गुरुजी ये सवाल अब करके दिखाइए, सारा तो तेरे सामने खोल दिया, ये फॉर्मूला है ये लगाइए, अबे ये फॉर्मूला है ये कॉन्सेप्ट है और सारा तुझे पता है क्या अल्फा है क्या मास है क्या प्रोटोन है, अभी भी ऐसा ही लगता है क्या, बोलो यार क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, इस पे चलेंगे, पहले ये वाला सवाल करेंगे। सवाल नंबर 16 करेंगे। विभवांतर वी, अभी अभी करवाया कॉन्सेप्ट, विभवांतर वी खत्म करेंगे बेटा जी, फिर उसके बाद मुझे विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी तो करवाना है। विभवांतर वी से एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण जिनके द्रव्यमान का अनुपात यानी कि एम पी बाय एम अल्फा बोला ना, प्रोटॉन तथा अल्फा कण जिनके द्रव्यमान का अनुपात 1/4 है दे रखा है, आवेशों का अनुपात Qp/Qα 1/2 है दे रखा है, को स्थिरावस्था से त्वरित करते हैं और विभवांतर जो है ये V क्या है, ये V है पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट इज विभवांतर। बोला उनके वेगों के लंबवत एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इनके वेगों के लंबवत यानी कि अगर मैं बोलूं बेटा जी कि मेरे पास कहीं पर एक समान चुंबकीय है, और चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो भी है और वेगों के लंबवत है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि यह है मेरा प्रोटॉन, ये वी वेग से गया और यह है मेरा अल्फा कण और यह भी वी वेग से गया, तो लंबवत ही तो है। यदि उनके वेगों के लंबवत एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी लगाया जाए तो इन कणों के वृत्ताकार पथों की त्रिज्याएं, मान लेते हैं भैया जी इस वाले की त्रिज्या है आर पी और इस वाले की त्रिज्या है आर अल्फा, तो मुझसे आर पी बाय आर अल्फा पूछा है, मुझसे क्या गलत पूछ लिया उन्होंने, फॉर्मूला मुझे आता है, कहाँ गया फॉर्मूला, ये रहा 1/b अंडर रूट 2 mb बाय
क्यू बी आर बराबर वन अपॉन बी अंडर रूट टू एम वी बाय क्यू। चुंबकीय क्षेत्र नियत है, टू नियत है, वी नियत है, बोला ना सेम विभवांतर है, तो एम बाई क्यू आर जो है वो अंडर रूट एम बाई क्यू, सब कुछ तो दे रखा है, तो से आर, तो से आर पी बाय आर अल्फा पूछा है, तो से आर पी बाय आर अल्फा पूछा है, आर पी बाय आर अल्फा रखेगा तो अंडर रूट एम पी बाय अंडर रूट एम अल्फा क्यू अल्फा बाय क्यू पी, सब रूट 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 कट जाएंगे तो आर पी बाय आर अल्फा निकल के आ जाएगा, और कितना आ जाएगा एम पी बाय एम अल्फा इंटू क्यू अल्फा बाय क्यू पी, सारे मान तो तुझे पता है, एम पी बाय एम अल्फा कितना 1/4 और क्यू अल्फा बाय क्यू पी, क्यू अल्फा बाय क्यू पी 2, अब 1/2 नहीं है, क्यू पी बाय क्यू अल्फा 1/2 है, तो बेटा जी आर पी बाय आर अल्फा कितना आ जाएगा 1/2, तो आर पी बाय आर अल्फा 1/2, 1:2 आंसर, प्योर प्योर फॉर्मूला बेस, मैंने कहा ना अभी मैंने फॉर्मूला सिखा दिए, सारे फॉर्मूले सिखा दिए, याद रहने चाहिए बस, मामला साफ है, इतना भी कर देगा ना तो भी तेरी जीत है। चलिए अब बेटा जी एक और सवाल है, लेकिन इसको करेंगे, अब हम चलते हैं थोड़ा सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, चैप्टर का नाम, अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, हेडिंग लगाएंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, दैट इज ईएमआई एंड प्रत्यावर्ती धारा। अब हम मिक्सिंग में सवाल करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा एंड दैट इज एसी, ईएमआई एंड एसी, यहां से सवाल आता है, एक थोड़ा सा बच्चा बोल रहा है सर, अच्छा कुछ गलती कर दी क्या मैंने, स्क्वायर रूट कटे तो उस समय है, पागल है क्या तू, इसका आंसर बेटा जी क्या लिखा है मैंने 16 का, कैलकुलेशन मिस्टेक है यार, फिर तो अपनी आंसर उन्होंने 1/√2 दे रखा है, एक बार चेक कर लेना, चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक है फिर, है ना, और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, मैं चेक कर लूँ क्या बेटा जी, मेरे हिसाब से तो आर बराबर अंडर रूट एम बाय रूट क्यू आएगा, तो कोशिश करना फिर करने की इसको, अच्छा हाँ इधर स्क्वायर आएगा ना, बात सही बोला बच्चा कि सर जब आप इधर से रूट हटा रहे हो तो इधर स्क्वायर तो लिखो, बच्चा बात सही बोला सर, आप इधर तो स्क्वायर तो लिख ही नहीं रहे हो, बताओ यार किसी ने भी नहीं बताया, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हमने, एक ही बच्चे ने बताया, तो फिर आर पी बाय आर अल्फा कितना आ जाएगा 1/√2, यस शाबाश बेटा, जिसने भी ये गलती पकड़ी है शाबाश यार उस बच्चे के लिए, सही है, ठीक है चलिए, हाँ बेटा ईएमआई एंड एसी सवाल करेंगे, ये सवाल है आपके सामने, एआई ट्रिपल ई 2011 का मतलब है जेई मेंस 2011, बच्चे कम क्यों हो गए मुझे नहीं पता, सवाल को पढ़ेंगे सभी बच्चे, ए राइट है, मजा नहीं आया यार, आज मैं बहुत सोच के आया था कि आज मैं पढ़ा के जाऊंगा, लेकिन सच में मजा नहीं आया तुम्हारे से मेरे को,
सच में मजा नहीं आया बेटा, पता हूं क्यों? क्योंकि तुम लोग लास्ट तक अगर 200 बने रहते ना तो मजा आ जाता बेटा। सुनिए, क्षेत्र जहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मुझे बी का मान दे रखा है, 5×10^-5। उत्तर उत्तर की ओर एवं क्षैतिज है। एक चुंबकीय क्षेत्र है उत्तर की ओर दे रखा है, क्षैतिज दे रखा है। एक नाव पूर्व की ओर गतिशील है, नाव 2 मीटर लंबी है, लंबाई दे रखी है 2 मीटर लंबी। और उनकी जो नाव की चाल है वो दे रखी है, 1.50 मीटर पर सेकेंड। हमसे प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा है और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, मोशनल ईएमएफ, गतिक विद्युत वाहक बल, गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये ट्रिपल वेक्टर, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट है, ट्रिपल वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होता है वैसे तो जनरली, पर अभी के लिए आप सिर्फ ये फॉर्मूला लगा लीजिए, E इज इक्वल टू बी एल वी। ई क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। बी का मान कितना है, एल का मान कितना, सारी वैल्यू रख दीजिए, एल का मान कितना है 2 और वेग कितनी है 1.5, कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, यह आ जाएगी 5×10, 15×10^-5, 15×10^-5 वोल्ट। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 15 को 0.15, 10^-3 वोल्ट, और 10^-3 को लिख दे मिली, 0.15 मिली वोल्ट। सिंपल सवाल था, ये तब आया था जब मैंने परीक्षा दी थी 2011 में, तो ये मेरे टाइम का सवाल था, उस समय भी मुझे सिंपल ही लगा था, यकीन मानो मेरा, और आज भी ये सवाल सिंपल ही है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। ये भी बेटा मेरे टाइम पे आया हुआ सवाल है, मैंने 2010 और 2011 में 2 साल लगातार परीक्षा दी थी ड्रॉप लेके। सवाल को समझेंगे, सवाल क्या है, सवाल बहुत सिंपल है लेकिन है बड़ा प्यारा, सवाल बड़ा सिंपल है बड़ा प्यारा। यस, बोलो बेटा, क्लियर है? यार ये कैसे कैसे बच्चे आ गए, घर पे भी ऐसे ही बोलते होगे तुम अपने मम्मी पापा को। सवाल क्या है, एक आयताकार लूप है, एक सर्पी कनेक्टर है PQ की लंबाई L तथा प्रतिरोध कैपिटल R है। सुनिए, वी वेग से लेके जा रहे हैं इसको हम, अगर मोशनल ईएमएफ का सवाल है, इसमें से आई धारा यहां से जा रही है,
आई वन धारा आई और यहाँ से आई टू धारा आई, ठीक है, और ये आई धारा यहाँ से जा रही है आर ओ में, आर ओ में। हमसे पूछा क्या है, सवाल को पढ़िए, मैंने सवाल में चित्र बना दिया। और इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है एल, इस पूरे स्लाइडिंग वायर की। ये पी क्यू जो है ना वो ऐसे हिल सकता है, ये पी क्यू जो है वो ऐसे हिल सकता है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मैंने इसको रखा है पूरी व्यवस्था को। आपको मैं बताता हूँ थोड़ा फील करवा के, इस पूरी व्यवस्था को मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म से जोड़ा है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, और बेटा जी इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई दे रखी है L। अब सवाल को पढ़ते हैं। पहले सवाल क्या है, एक आयताकार लूप है, में एक सर्पी कनेक्टर है। यार ये क्या बच्चे हैं यार, ये बार बार आके जो बार बार मैसेज करता ना, मेरा भेजा खराब करते हैं यार ये लोग। सुनिए, एक आयताकार लूप में एक सर्पी कनेक्टर है, पी क्यू की लंबाई है एल तथा प्रतिरोध है कैपिटल आर। यह चित्रानुसार वी चाल से गतिमान है। यह समंजन चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, जिसकी दिशा कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है, यानी कि क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें धाराएं आई वन, आई टू और आई, आई वन, आई टू और आई का मान पूछा है। बेटा जी अगर मैं आई की बात करूं तो आई बराबर हो जाएगा ई बाय आर। अब सुन, ई क्या होता है, बी एल वी, तो बी एल वी, तो आई बराबर हो जाएगा सर बी एल वी बाय आर तुल्य। बस सर अब आर तुल्य निकाल लो इसका। अब आर तुल्य कैसे निकालेंगे, सुन सुन, आर तुल्य कैसे निकालेगा गुरुजी, आई धारा आई आई वन और आई टू में बट गई, आई धारा आई आई वन और आई टू में बट गई। इसका मतलब, इसका मतलब ये दोनों तो समांतर क्रम में, तो R और R का R by 2 और वो R by 2 इसके साथ श्रेणी क्रम में। पता है चित्र कैसा है, चित्र ऐसा है, ये R है, ये R है, ये R है, तो ये R है, ये R है, ये R है, ये R और R का R by 2 और फिर ये R by 2 और ये R श्रेणी क्रम में 3R by 2, तो तुल्य प्रतिरोध आया 3R by 2, तो धारा आ जाएगी बी एल वी बाय 3R बाई 2, आई बराबर 2 बी एल वी बाय 3R। ये तो आ गई कुल धारा, तो 2 बी एल वी बाय 3R जिस भी ऑप्शन में नहीं है काट दो, या तो B है, अच्छा ये भी नहीं है, 2 बी एल वी बाय 3R। अब सर अब आई धारा इधर से जा रही है, तो इधर और इधर समान भागों में बटेगी, क्योंकि ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध आर है। इसका मतलब सर आई वन का मान आई टू के बराबर है, तो इस आई धारा को आधा आधा बांट दो, इस आई धारा को आधा आधा बांट दो, यानी कि आई वन बराबर आई टू होगा और वो होगा आई बाई टू के। आई का मान कितना है, 2 बी एल वी बाई 3R, और ये आ जाएगा आधा कट जाएगा, तो आई वन बराबर आई टू बराबर बी एल वी बाई 3R, ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलती पब्लिक, बच्चे बहुत कम आ गए, बच्चे बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए। बच्चा बोल रहा है सर हम पागल हैं, और नहीं तो क्या, तू क्या है, इंटेलिजेंट है तू है? चलो सुनिए, हाँ अगला सवाल, सवाल नंबर 21। ये सवाल अच्छा भी है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगा, कर लो यार कर लो, फिर हम ये लास्ट एसी पढ़ेंगे, एसी प्रत्यावर्ती धारा।
होने वाले क्लास खत्म करने वाला हूं आधा घंटे में। तो जिसको जितना पढ़ना है पढ़ लो। हाँ भैया, सुनिए। हाँ, कहाँ गया? सुनिए, एन फेरों की और ए माध्य अनुप्रस्थ काट वाली एक कुंडली कोणीय वेग ओमेगा से एक समरूप चुंबक के क्षेत्र में बी के लंबवत अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है। आइए थोड़ा सा रोटेशनल पे चलते हैं। रोटेशनल का नहीं है वैसे तो, हल्का सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। ओमेगा से घुमा रहे हैं। त्रिज्या है कैपिटल आर। ये कहानी है। ऐसे इसमें एन फेरे हैं। अगर मैं एक के लिए निकाल दूं तो एन के लिए सेम होंगे। इसका क्षेत्रफल जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो ए है। ओमेगा से इसको घुमा रहे हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक समान है भी। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान पूछा है। अब बेटा जी सुनो, ई बराबर क्या होगा? ई बराबर होता है -d5/dt। अगर मैं परिमाण की बात करूं तो d5/dt। फाई क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन। और फ्लक्स क्या होता है? BA cos थीटा। बी बदल रहा है क्या? नहीं। ए बदल रहा है क्या? नहीं। क्या बदल रहा है? थीटा। किसी समय टी पर, अबे किसी समय टी, थीटा बराबर क्या होता है? ओमेगा टी होता है। कितने बच्चों को यह बात पता है? थीटा बराबर ओमेगा टी, थीटा बराबर। तो थीटा का मान ये रख। तो किसी समय टी पर फ्लक्स BA cos ओमेगा टी। सर अगर आपको आपको ई चाहिए तो d5/dt करना पड़ेगा। मैं सिर्फ परिमाण की बात कर रहा हूं इसलिए माइनस नहीं लगा रहा हूं। बी नियत है, ए नियत है, तो बी को बाहर ले लो, ए को बाहर ले लो। किसका अवकलन करोगे? cos ओमेगा टी का। इज इक्वल टू -b cos a। cos का आएगा माइनस, तो -sin ओमेगा टी। और ओमेगा टी का करोगे ओमेगा, इज इक्वल टू आ जाएगा -BA ओमेगा sin ओमेगा टी। और अगर तुम्हें दिशा के साथ रखना है तो माइनस आगे लगा लीजिए। हम जानते हैं इज इक्वल टू होता है -d5/dt। और d5/dt की वैल्यू तूने क्या निकाली? ये तो इज इक्वल टू माइनस और माइनस हो जाएंगे, प्लस BA ओमेगा sin ओमेगा टी। ये आया जब तेरी एक लूप होती, ये आया जब तेरा एक लूप। ऐसे तेरे पास एन घेरे हैं तो एन से गुना कर दे NBA ओमेगा sin ओमेगा टी। अधिकतम के लिए चाहिए होता तो इसका मान 90 कर देता, हवन हो जाता, NBA ओमेगा आंसर आ जाता। ये भी IEEE में पूछा गया सवाल है। अभी के लिए जो मैं टिक करूंगा, NBA sin ओमेगा टी। हाँ चलिए, अब हम चलते हैं
प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर पे। अब हम चलते हैं थोड़ा प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर वाले चैप्टर पे। सवाल पढ़िए, सवाल क्या है? चलिए सवाल बच्चे करेंगे, आप लोग बच्चे लोग आप करेंगे सवाल को, करिए। ऐप पे कितनी कितने बच्चे देख रहे हैं बेटा जी? ऐप पे सुनिए, जब एक विद्युत वाहक बल E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी 100 टी, तो बेटा जी E बराबर हम जानते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तुलना करेगा ओमेगा का मान आ जाएगा 100 रेडियन पर सेकेंड। को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं तो विद्युत वाहक बल तथा धारा मतलब E एंड I में पाई बाई फोर का कलांतर आता है, तो निम्न में से कौन से? बेटा अगर पाई बाई फोर का कलांतर आया ना, तो इसका मतलब है प्रतिरोध का मान प्रतिघात के बराबर है। ये कंडीशन होती है जब पाई बाई फोर आएगा। फेजर डायग्राम से बनता है, बना के दिखा नहीं रहा हूँ। कोई भी दो सदिश अगर बराबर है तो परिणामी ठीक मध्य में आ जाता है, वो वाली बात है बस। ये सुनिए, तो बेटा जी रेड पट्टी हटा दूं? बच्चा बोला सर रेड पट्टी हटा दीजिए। ले बस खुश। हाँ सुन, तो बेटा जी ऑप्शन नंबर डी चेक करो डायरेक्ट। हमें आर का मान दे रखा है 1 किलो ओम, 1 किलो का मतलब 1000 ओम, और सी का मान हमें दे रखा है 10 माइक्रोफेरड। अगर बेटा जी एक्स सी निकालू प्रतिघात धारितीय प्रतिघात 1/ωc, तो 1/ω का मान 100 और सी का मान कितना है 10 माइक्रोफेरड, ये आ जाएगा ओम में। तो एक्स सी बराबर 1/, ये हो जाएगा 1000। अब 100 × 10 = 1000, 10 और माइक्रो को 10^-6 लिख दूं ओम, यह आ जाएगा 10^-3। तो एक्स सी का मान आ जाएगा 1/10^-3 ओम और 10^-3 ओम ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1000 ओम। तो एक्स सी और आर बराबर आए ऑप्शन नंबर डी में, यही आंसर है।
यही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई बेटा? जो भी है ना ये नेक्ड HD फन, अपने बेटा अपने घर वालों के साथ करिए वाले काम, है ना बेटा? हटते क्यों नहीं है ये? नहीं तो तुझे भगा देता मैं, हट नहीं रहा तू। चलो अब बेटा जी एक सवाल और करवाता हूं, है ना? थोड़ा अच्छा सवाल है। पहले ये वाला सवाल करेंगे सब बच्चे। तुम लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा। सवाल तुम लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा। एक श्रेणी LCR परिपथ है, श्रेणी। सर आपको ऐप के मैसेज नहीं दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं ना बेटा, आनंद पंछी, आनंद पंछी। सर अब बाय कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। श्रेया पांडे, ठीक है बेटा चली जा बाय। अगर नहीं आ रहा समझ में तो अब क्या ही बोलूं फिर मैं। एक श्रेणी LCR परिपथ है, मैं R बराबर दे रखा है 200 ओम और मुख्य प्रदायी स्रोत की वोल्टता एवं आवृत्ति क्रमशः 220 वोल्ट एवं 50 हर्ज है। परिपथ में से संधारित्र निकाल लेने पर धारा वोल्टता से 30 डिग्री पश्चिगामी हो जाती है और उसी परिपथ में से अगर मैं प्रेरक निकाल लूं तो धारा वोल्टता अग्रगामी हो जाती है। तो मुझे देखो, मैं LCR परिपथ बना के दिखाता हूं। ये L है, ये C है, ये R है, ठीक है? कोई ना कोई वोल्टता स्रोत से हम जुड़े होंगे। 220 वोल्ट हमें दे रखी है, ई नॉट का मान दे रखा है। ये मान ले कोई ना कोई वोल्टता स्रोत हमें दे रखा है, बोला है ना, स्रोत की मुख्य प्रदायी स्रोत की वोल्टता एवं आवृत्ति, है ना? इसकी हमें वोल्टता और एवं आवृत्ति दे रखी है, मतलब हमें ई नॉट का मान दे रखा है मैक्सिमम वाला, और हमें आवृत्ति दे रखी है बेटा जी, है ना, हर्ज दे रखी है 50 हर्ज आवृत्ति एफ। उन्होंने बोला है कि 200 ओम का प्रतिरोध है ये, और हमें एल और एक्स एक्सएल और एल और सी की वैल्यू नहीं दी। तो उन्होंने बोला कि जब मैं संधारित्र को निकाल दूं जब ये तीनों रहते हैं तो टेन फाई एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर रहता है। जब मैं सी को निकाल दूंगा, सी निकल जाएगा तो सी को निकाल देने पर, अरे इधर आना, निकाल देने पर तो टेन फाइव बराबर एक्सएल बाय आर बचेगा, एक्सी तो गायब हो गया। तो उन्होंने बोला है कि 30 डिग्री हो जाती है, यानी फाइव का मान 30 डिग्री, तो टेन 30 बराबर एक्सएल बाय आर, तो एक्सएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर 10 30, और 10 30 का मान 1/√3, तो एक्सएल का मान आ जाएगा R/√3। अगले में उन्होंने बोला है कि अगर मैं एल को निकाल दूं
अगर मैं एल को निकाल दूं तो टेन फाई एक्स सी बाय आर हो जाएगा, और अभी भी बेटा जी 30 डिग्री का अग्रगामी हो जाएगा, लेकिन फाई तो अभी भी 30 डिग्री रहेगा, तो एक्स सी बाय आर, तो एक्स सी बराबर आर टेन तीस, टेन तीस का मान 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। अरे गुरुजी एक्सएल का मान एक्सी आया, एक्सएल बराबर एक्सी आया, इसका मतलब ये तो अनुनादी स्थिति है, अनुनादी कंडीशन है, और अनुनादी कंडीशन है तो बेटा जी सर्किट बिहेव एज अ प्योर रेजिस्टिव, सर्किट बिहेव एज अ प्योर रेजिस्टिव। तो पावर निकालनी है बी स्क्वायर बाय आर, बी कितना है 220 का स्क्वायर, यानी कि 220 इंटू 220 बटे आर 200, ये खत्म 22 इंटू 22 484 बटे 2 काटेगा 242 वॉट। बच्चों को, कितने बच्चों को मामला फिट लग रहा है, क्या गुरुजी समझ में तो आ रहा है? चलो एक सवाल हमारा रह गया है, ये वाला सवाल करते हैं, प्रश्न नंबर 22। सभी बच्चे करेंगे इस सवाल को। सभी बच्चे इस सवाल को करेंगे, कोई भी बच्चा टाइम पास नहीं करेगा। हाँ भैया, बेटा आप लोग देख रहे हो क्या मेरे को? पासवर्ड डालो, चालू हो जाएगा। यूट्यूब पे हाँ चल रही, अब चल रही ना, ठीक है, छोड़ दो बस छोड़ दो।
हाँ बेटा, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, इस सवाल को करेंगे बेटा जी। कितने बच्चों ने इस सवाल का आंसर बता दिया? सी बता रहे हैं, सी। बेटा जी देखो, हमसे पूछा है टी बराबर जीरो पर क्या होगा और टी बराबर अनंत पर क्या होगा। अगर मैं थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ ध्यान दूं तो मुझे समझ में आएगा टी बराबर जीरो और टी बराबर अनंत के बारे में पूछा है। हर बार टी बराबर जीरो और टी बराबर अनंत के बारे में बात करिए। देखो, हर ऑप्शन में देखोगे तो टी बराबर जीरो टी बराबर अनंत। एक चीज तो पक्का है सर, आपको फंडे थोड़े पता होने चाहिए। यह फंडा बहुत काम का है जो मैं अभी बता रहा हूं। टी बराबर जीरो पर ना प्रेरकत्व है ना, प्रेरक टूटे परिपथ की भांति, टूटे तार की भांति, ऐसा लिख लो, टूटे तार की भांति। कौन? प्रेरकत्व एल टूटे तार की भांति कार्य करेगा। तो टी बराबर जीरो की अगर मैं बात करूं तो सर्किट कैसे बनेगा? ये तो टूटे हुए तार की भांति व्यवहार करेगा, तो ये तो काम करेगा नहीं। तो बेटा जी परिपथ केवल इतना सा रह जाएगा, ये तो खुला है और ये तो खत्म हो जाएगा, ये भी है। तो जो धारा आएगी आई वो आ जाएगी V बाई आर टू। तो गुरु जी इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि V बाई आर टू या तो सी आएगा या डी आएगा। टी बराबर अनंत पर बहुत लंबे समय के बाद जो ये एल है, ये एल किसकी भांति व्यवहार करेगा? चालक तार की भांति व्यवहार करेगा। तो फिर परिपथ जो आएगा वो कैसे आएगा? यार वन है और ये भी है, तो ये दोनों तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 R2 / R1 + R2। तो धारा कैसे निकालेगा? I बराबर V बाय R तुल्य R1 R2 / देखो कोई चीज डराती है लेकिन डरने का नहीं। ऑप्शन नंबर सी डी भी नहीं है, कर लोगे। बस ये लाइनें याद रखना, कौन सी जो इंपॉर्टेंट है, दिस इज गोल्डन लाइन है, ये गोल्डन लाइन सवालों में। बस अब थक गए अब बच्चे बहुत कम हो गए। एक बार बेटा जी दहाड़ दो फटाफट से, लास्ट चलते सभी बच्चे एक बार शेर से दहाड़ दो, सिंह से दहाड़ दो। सर मेरे इधर तूफान आ गया। अब थोड़ा सा जेई के बारे में बातें कर लेते हैं। आई थिंक आप बेटा जी, अब देखो थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ, पढ़ा लिया जितना पढ़ाना था। पहले पानी पी लेता हूँ। चलो थोड़ा सा बातें कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, नहीं पहले तो जुड़ जाओ मेरे से। और जितनों ने भी लाइक नहीं किया है पहले तो लाइक कर दीजिए। बहुत शरीर दुख रहा है मेरा, लगातार खड़े रह के जो और बोल के नहीं जो। लेकिन बेटा जी मैंने बहुत इंटरेस्टिंग बेटा सुनील एक ही बार मैसेज कर और बहुत ही इंपॉर्टेंट से मैंने कहानियाँ आपको बता दी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानियाँ आपको मैंने बता दी है। और उम्मीद करता हूँ बेटा जी आपको अच्छा लगा होगा। अब देखो जेई के पेपर में आपको कैसे करना है, जेई के पेपर में बेटा जी आप अपने आप को धैर्य रखना,
जो भी हम मैराथन में पढ़ा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी मैराथन में आइए सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद बेटा विशाल, सारी मैराथन में आइए, हो सके तो एक मैराथन और लेके आऊंगा आपके लिए, वो लेके आऊंगा मैकेनिक्स की, ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन, एक पूरी मैकेनिक्स की लेके आऊंगा, जो स्टार्ट होगी यूनिट एंड डायमेंशन मात्रक एवं मापन से, और कहानी को खत्म करूंगा रोटेशनल मोशन पे, घूर्णन गति पे ले जाके उसको खत्म करूंगा। उसमें से कम 5-7 सवाल आने वाले हैं आपके, उसमें से कम 5-7 सवाल आने वाले हैं आपके, क्लियर? तो कहानी देखो बेटा, 7 सवाल की कहानी है, 7 सवाल की कहानी, वो 14-15 सवालों की कहानी तो मैंने करवा दी तेरे को, और 14-15 सवालों में तो बेटा जी हम मजे करेंगे जीवन में। या एक दिन मॉडर्न फिजिक्स लेके आ जाऊंगा, मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर लेके आ जाऊंगा, 4-5 सवाल, 4-1 सवाल उनके मान लो, मॉडर्न फिजिक्स पूरी, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर के 5 सवाल तो मान ही लो तुम, 4-5 सवाल, बाकी का बचा हीट फ्लूइड और थर्मो SHM वगैरह, है ना, तो उससे आ जाते हैं अपने 3-4 सवाल हो गए अपने, इतने में ही 25 सवाल खत्म हो जाएंगे, रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स से 2-3 सवाल मान लो, है ना। जितना हो सकेगा उतना पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ये नहीं पढ़ाओगे वो नहीं पढ़ाओगे, बेटा जी मैराथन है ये, कम टाइम है, तो बेटा जी और सभी बच्चों को मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि मेहनत इतनी खामोशी से करना कि सफलता शोर मचा देनी चाहिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो सफलता शोर मचा दे, और एक बात याद रखना बेटा जी, हर इंसान सफल जरूर होता है अगर वो ईमानदारी से मेहनत करता है, हो सकता है तुम्हें आज ना मिले, आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अपने गुरुजनों पे भरोसा रखिए, अपने माता पिता पे भरोसा रखिए, यकीन मानिएगा बेटा जी एक बार हम जरूर जीतेंगे, क्लियर है, यकीन मानिएगा बेटा जी हम जरूर जीतेंगे। हाँ ठीक है, और मॉडर्न फिजिक्स भी जल्दी ही पढ़ाएंगे बेटा जी आपके सामने, यस बेटा जी हाँ, तो पढ़ाई करेंगे, जेई का पेपर है, घबराने की जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से फोड़ के आएंगे जेई को, निश्चित रूप से फोड़ के आएंगे, मन में एक उमंग लेके चलना, मन में एक सपना सजो के रखना, अभी 15-1 दिन की कहानी और है, तो 15 दिन थोड़ी और मेहनत कर लो, क्या पता इन 15 दिनों में 1-2 क्वेश्चन ज्यादा करके आ जाओ पेपर में, इन 15 दिनों में जो पढ़ोगे हो सकता है बेटा जी 2 क्वेश्चन ज्यादा ही करके आ जाओ, बहुत अच्छी बात बोली आपने ग्रेट सर, धन्यवाद बेटा श्रेय पांडे। तो अब आपकी छुट्टी हो गई है, आराम से जाइए खाइए पीजिए, बहुत देर से आप मुझे झेल रहे थे, करीब करीब 4 घंटे का समय हो चला है, और करीब करीब क्या 5 मिनट बाकी है 4 घंटे में, तो आप मुझे 4 घंटे से झेल रहे थे, तो इस झेलने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना झेला, है ना। तो फिजिक्स में मजा आया, आज मजा आया, कैसा लगा बेटा जी एक बार फटाफट से बता दीजिए, पूरा 12वीं का इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट निपटा दी, है ना, फिर अपन ने बहुत सारी चीजें अपन ने निपटा दी, ठीक है। चलिए तो मजा आया होगा, मिलते हैं अब अगली क्लास में, मचाते रहेंगे इसी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ छुड़े रहिएगा डाउट के साथ, सो बाय बाय।